हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब वो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है ये जो सब्जेक्ट्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है और मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट्स है, करियर मेकिंग सब्जेक्ट्स है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका यूज होने वाला सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है गुड्स का, सर्विसेज का, या कोई जॉइंट वेंचर कंपनी खोलती है, तो उस केस में उसको फॉरेन करेंसी में डील करनी होती है। तो फॉरेन करेंसी में डील करते समय उसको कैसे आपको रिस्क को मैनेज करना चाहिए या कैसे इंपोर्ट एक्सचेंज रेट को डील करना चाहिए, उसके बारे में स्टडीज करते हैं। इस सब्जेक्ट में हमें स्टडी करनी है कि कोटेशन करेंसी को कैसे डिटरमाइन की जाती है, एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन की जाती है, एक्सचेंज रेट से बेस्ड रिस्क क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है, वो सारी टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली इसमें दो पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहां पे फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें दो पार्ट है। एक्चुअली एक तो पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा पार्ट आपको पढ़नी है रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा पार्ट हमें क्या पढ़नी है, रिस्क मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज में आपको जो स्टडी करनी है वो है यहां पे एक्सचेंज ऑफ करेंसी होता है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी। करेंसी दो टाइप का होता है जो फेमा में डिफाइन की गई है। एक करेंसी वह होता है जो होमलैंड में यूज किया जाता है और दूसरी करेंसी वह होता है जो अदर देन होमलैंड में यूज किया जाता है। एक करेंसी वह है जो होमलैंड में यूज किया जाता है और दूसरी करेंसी यह है कि वो अदर देन होमलैंड में यूज किया जाता है। जैसे इंडिया की होमलैंड में क्या यूज किया जाता है, रुपीज। यूके के होमलैंड में क्या यूज किया जाता है, पाउंड। यूएसए के होमलैंड में क्या यूज किया जाता है, डॉलर। जापान के होमलैंड में क्या यूज किया जाता है, एन। तो ऐसी करेंसी जो होमलैंड में यूज किया जाता है उसको होम करेंसी कहा जाता है और ऐसी करेंसी जो अदर देन होमलैंड में यूज किया जाता है, ऐसी करेंसी जो अदर देन होमलैंड में यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। ऐसी करेंसी जो होमलैंड में यूज किया जाता है उसको होम करेंसी कहते हैं, ऐसी करेंसी अदर देन होमलैंड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसीज एज पर फेमा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसीज जो फेमा में डिफाइन की गई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। होमलैंड यूज्ड करेंसी इज सेड टू बी होम करेंसी, अदर देन होमलैंड यूज करेंसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहा जाता है। तो यहां पे जो मैंने फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन किया, यहां पे जो रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन किया, ये आपका यहां पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपको यहां पे है। क्लियर है ना सर? तो यहां पे मैंने कहा था एक्सचेंज ऑफ करेंसी का मतलब कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। तो एक्सचेंज ऑफ करेंसी में क्या पढ़नी है, कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, कन्वर्टिंग होम करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। तो सबसे पहले हम फेमा के डिफिनेशन के अनुसार
हम डिफाइन करते हैं कि होम करेंसी कौन सी होती है और फॉरेन करेंसी कौन सा होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं एज पर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी, देर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी करेंसी। एक तो आपका होम करेंसी होता है, दूसरा आपके फॉरेन करेंसी होता है। सर दो टाइप की करेंसी होता है, एक तो आपके पास होम करेंसी होता है, दूसरा आपका क्या होता है फॉरेन करेंसी होता है। तो यहां पे होम करेंसी किसे कहते हैं, फॉरेन करेंसी किसे कहते हैं, उसको भी डिफाइन की गई है। तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है, प्लीज आप देखिए यहां पे होम करेंसी, होम करेंसी, होम करेंसी किसे कहते हैं, द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होम लैंड इज सेड टू बी होम करेंसी। द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होम लैंड, यहां पे होम करेंसी हो गया, और दूसरा क्या हो गया बेटा यहां पे फॉरेन करेंसी हो गया। एक तो होम करेंसी हो गया और दूसरा आपका फॉरेन करेंसी हो गया। तो यहां पे हम होम करेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, हमने पहले आपको होम करेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, होम करेंसी, होम करेंसी किसे कहा जाता है, तो द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होम लैंड इज सेड टू बी होम करेंसी। हम क्या करेंगे, द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होम लैंड इज सेड टू बी होम करेंसी, इज सेड टू बी होम करेंसी। द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होम लैंड इज सेड टू बी होम करेंसी। ये आपकी पहली कॉन्सेप्ट है कि दो टाइप की करेंसी होती है, जो होम लैंड में यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, होम करेंसी कहा जाता है, और जो अदर देन होम लैंड में यूज किया जाता है उसको कौन सी करेंसी कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहा जाता है। क्लियर है ना सर। अब देखिए द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होम लैंड इज सेड टू बी द होम करेंसी। यहां पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर इंडिया रुपीज इज अ होम करेंसी, फॉर यूएसए डॉलर इज अ होम करेंसी, फॉर यूके पाउंड इज अ होम करेंसी, फॉर जापान एन आर द होम करेंसी। तो दीज आर द होम करेंसी, होम करेंसी ये आपकी होम करेंसी है। तो ये होम करेंसी किसके लिए है बेटा, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए रुपीज होम करेंसी है क्योंकि इंडिया में रुपीज यूज करते हैं, यूके के लिए, यूएसए के लिए डॉलर होम करेंसी है क्योंकि यूएसए में डॉलर यूज करते हैं, यूके के लिए पाउंड होम करेंसी है क्योंकि यूके में पाउंड यूज करते हैं, और जापान के लिए एन होम करेंसी है क्योंकि जापान में हम एन यूज करते हैं। तो वेरी इजी डिफिनेशन। तो ये आपका हो गया सर, हमारे पास दो टाइप की करेंसीज होती है, एक आपका होम करेंसी होता है और दूसरा आपका क्या होता है, फॉरेन करेंसी होता है। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पे दूसरा आपका आ जाता है, एक यहां पे दूसरा हम एक होम करेंसी का डिफिनेशन लिखा, अब मैं आपको लिख रहा हूं फॉरेन करेंसी की डिफिनेशन, फॉरेन करेंसी का डिफिनेशन, फॉरेन
करेंसी। तो ऐसी करेंसी अदर देन होमलैंड, ऐसी करेंसी अदर देन होमलैंड, उस करेंसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहा जाता है। द करेंसी अदर देन होमलैंड इज सेड टू बी द फॉरेन करेंसी। तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है, द करेंसी अदर देन, द करेंसी अदर देन होम करेंसी, अदर देन होम करेंसी इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी। द करेंसी अदर देन होम करेंसी इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया बिकॉज इट इज नॉट इट्स होम करेंसी। पाउंड इज अ फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया बिकॉज इट इज नॉट यूज एट होमलैंड। एन इज अ होम करेंसी, यूरो इज अ होम करेंसी, स्विस फ्रैंक इज अ होम करेंसी, स्विस फ्रैंक इज अ होम करेंसी, फ्रेंच फ्रैंक इज अ होम करेंसी, डच मार्क इज अ होम करेंसी। तो दीज आर द होम करेंसी, दीज आर द होम करेंसी। डच मार्क जर्मनी में पहले यूज किया जाता है, अभी यहां पे जर्मनी में नहीं, यूरो यूज होता है। तो दीज फ्रेंच फ्रैंक, पहले हम पहले फ्रेंच फ्रैंक में भी, यहां पे फ्रांस में फ्रेंच फ्रैंक यूज होता था, अब वहां पे यूरो यूज करते हैं। तो दीज आर द फॉरेन करेंसी फॉर इंडिया, ये आपकी इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी है, क्योंकि हम इंडिया में क्या करते हैं, इस करेंसी को यूज नहीं करते हैं। तो अदर देन होमलैंड यूज करेंसी सेड टू बी द फॉरेन करेंसी। तो यहां पे हम ऐसे भी डिफाइन दे सकते हैं, कैसे, दैट इज द करेंसी अदर देन होमलैंड यूज करेंसी, अदर देन होम लैंड यूज्ड करेंसी इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। द करेंसी अदर देन होमलैंड यूज्ड करेंसी इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी, द करेंसी अदर देन होमलैंड यूज्ड करेंसी इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। अदर देन होमलैंड यूज करेंसी इज सेड टू बी द फॉरेन करेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी कहा जाता है। अदर देन होमलैंड यूज करेंसी इज सेड टू बी द फॉरेन करेंसी, क्लियर है। अब हम आपको स्टडी करते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी। यहां पे एक्सचेंज ऑफ करेंसी में क्या होता है सर, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी में क्या पढ़नी है। तो सर सपोज करो तीन टाइप से एक्सचेंज होता है। कोई इंडियन कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द यूएसए, फॉर दैट ही हैज टू पे $1,00,000। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को $1,00,000 पेमेंट करनी है। तो एज पर फेमा रूल नो पर्सन इज अलाउड टू कीप द फॉरेन करेंसी एट हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या करेगा, ऑथराइज डीलर के पास जाएगा, जो आरबीआई से ऑथराइज डीलर हो, जो फिदाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन, उसके साथ क्या हो, ऑथराइज हो, उसके पास जाएगा। और उसके पास जाने के बाद उसको कहेगा कि सर आप क्या करो, ये करेंसी को एक्सचेंज करो, उस करेंसी को एक्सचेंज करो। इट मीन्स उस केस में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए, फॉरेन में पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए। तो फॉरेन में पेमेंट करने के लिए जब डॉलर चाहिए तो वो क्या करेगा, वह कंपनी क्या करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रुपीज देगा, रुपीज देकर डॉलर लेगा, और डॉलर फॉरेन में क्या करेगा, पेमेंट करेगा।
तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रुपीज देगा, डॉलर लेगा, तो रुपीज इज अ होम करेंसी इज गोइंग टू कन्वर्टेड टू द फॉरेन करेंसी। सपोज कीजिए सचिन तेंदुलकर को यूएसए शॉपिंग करने जानी है, तो सचिन तेंदुलकर यूएसए शॉपिंग करने जाएगा तो एज पर फेमा रूल वो सचिन तेंदुलकर के पास फॉरेन करेंसी नहीं होना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर को यूएसए शॉपिंग करने जानी है तो यूएसए के लिए उसके पास डॉलर चाहिए, डॉलर होना चाहिए, तो डॉलर उनको कहां से मिलेगा? तो डॉलर उनको मिलेगा कहां से मिलेगा डॉलर? तो डॉलर उनको मिलेगा ऑथराइज डीलर के पास से। तो सचिन तेंदुलकर रुपीज देंगे, रुपीज के बदले में क्या लेंगे? डॉलर लेंगे। तो पहली एक्सचेंज ऑफ करेंसी में क्या होता है? होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी। यहां पे मैंने लिखाया होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी, समझे? तो यहां पे रुपीज को आपने कन्वर्ट किया डॉलर में, रुपीज को कन्वर्ट किया डॉलर में। तो एक्सचेंज ऑफ करेंसी यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट द होम करेंसी इनटू द डॉलर करेंसी, ठीक है। दूसरी, अगर सचिन तेंदुलकर इज वेल नोन पर्सनालिटीज क्रिकेट प्लेयर और वो यूएसए में गए और कोई बैट बनाने वाली कंपनी इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे बैट के लिए क्या कीजिए, एडवर्टाइज कर दीजिए, एड दीजिए, और सचिन तेंदुलकर ने वहां पे एड को दिया और एड देने से उनको डॉलर 5 लाख मिल गया, उनको ड्यू टू द डेट एड ही गॉट डॉलर 5 लाख, और डॉलर 5 लाख लेकर वो इंडिया में आ गए। एज पर फेमा रूल सचिन तेंदुलकर इज नॉट अलाउड टू कीप द डॉलर एट हिज होम। सचिन तेंदुलकर अपने घर पे डॉलर तो नहीं रख सकते, तो उनके पास ऑथराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा और ऑथराइज डीलर को सचिन तेंदुलकर क्या करेंगे? डॉलर देंगे। अब उस डॉलर के बदले में ऑथराइज डीलर से क्या लेंगे? उस डॉलर के बदले में ऑथराइज डीलर से क्या लेंगे? उस डॉलर के बदले में ऑथराइज डीलर से सचिन तेंदुलकर रुपीज लेगा। तो यहां पे हमारे पास दूसरा क्या होगा? डॉलर इज अ होम फॉरेन करेंसी, अब फॉरेन करेंसी उन्होंने क्या किया? रुपीज लिया। तो यहां पे दूसरा क्या होता है? यहां पे फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी, फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी, लाइक डॉलर टू रूपीज। अब एक तीसरा केसेस मैं बताता हूं, जो आपकी तीसरी केसेस क्या होता है। सपोज करो कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, कोई गुड्स को वो जापान से क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। कोई गुड्स को जापान से इंपोर्ट कर रही है, कोई कंपोनेंट्स को जापान से इंपोर्ट कर रही है, और जापान से इंपोर्ट करके वो क्या कर रही है? कुछ मॉडिफाई कर रही है उसमें, कुछ न्यू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बना रही है और उसको जर्मनी में क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। जापान से इंपोर्ट कर रही है, जर्मनी में क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। इंडियन कंपनी है तो वहां से क्या होगा? उसको जर्मनी से डच मार्क्स मिलेगा या यूरो आएगा, और जापान में उसको एन में पेमेंट करनी है। तो दो तरीका है, या तो यूरो को पहले रुपीज में कन्वर्ट करो, रुपीज को फिर एन में कन्वर्ट करो, फिर उसको क्या करो? पेमेंट करो। तो जितनी बार आप फॉरेन करेंसी में डील करेंगे, जितनी बार आप फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करेंगे उतनी बार आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। बिड रेट आस्क रेट में थोड़ी सी कमीशन होती है, वो पैसा देना पड़ेगा। तो आपके पास दो रास्ता है, जर्मनी से जो पैसा आएगा उसको रुपीज में कन्वर्ट करो, रुपीज से जो पैसा होगा उसे एन परचेज करो, और फिर जापानीज कंपनी को क्या करो? पेमेंट करो। तो यहां पे दो बार आपने कमीशन दिया, तो क्यों नहीं आप क्या करते हैं, जर्मनी से जो पैसा आया, डच मार्क्स में पैसा आया या यूरो में पैसा आया, उसको डायरेक्ट एन में पेमेंट कर दो। तो डायरेक्ट एन में पेमेंट करोगे तो यहां पे इंडियन कंपनी को डच मार्क्स या यूरो भी फॉरेन करेंसी है, इंडियन कंपनी के लिए एन भी फॉरेन करेंसी है। तो आपको क्या करना है? फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी कैसे डील करोगे उसमें भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, आप जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं कोई रॉ मटेरियल, उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को क्या करना है? आप
जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यू विल रिसीव यूरो फ्रॉम द जर्मनी एंड यू विल हैव टू पे एन टू द जापान। यूरो जर्मनी से इंपोर्ट करोगे और जापान से क्या पेमेंट करोगे, एन पेमेंट करोगे। क्लियर है ना सर? तो इस केस में आपको क्या होगा कि दो बार बैंक को कमीशन देना पड़ेगा, तो इट इज बेटर टू पे डायरेक्टली, इट इज बेटर टू पे डायरेक्टली, इट इज बेटर टू कन्वर्ट, इट इज बेटर टू एक्सचेंज डायरेक्टली यूरो टू एन। तो यहां पे मैंने कहा कि फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी में कैसे डील करोगे, तो दैट इज द फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी। यहां पे तीसरा होता है फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, दैट इज यूरो टू एन, यूरो इज गोइंग टू कन्वर्टेड टू एन। तो इन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज में ये सारी आपकी टॉपिक आपको स्टडी करनी है, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज में ये सारी टॉपिक्स आपको क्या करनी है, स्टडीज करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में ये सारी बातें हैं। अब दूसरी कंपोनेंट्स आ जाता है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में दूसरा जो स्टडी करनी है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ये देखते हैं कि रिस्क होता क्या है, व्हाट इज अ रिस्क। तो कोई भी आपको एक्सचेंज ऑफ करेंसी में इसको कन्वर्ट करने की कैसे तरीका सिखाया जाएगा इसमें। दूसरी आपकी क्या स्टडी करनी है कि रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द रिस्क इन दिस चैप्टर्स, और रिस्क कैसे होता है डील करने में, फॉरेन करेंसी को डील करने में। तो फॉरेन करेंसी को डील करने में रिस्क कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रिस्क का मतलब क्या होता है। एडवर्स हैपनिंग, एडवर्स में आपकी जो लॉस होती है उसको क्या कहते हैं, रिस्क आ जाता है। तो एडवर्स हैपनिंग दैट इज द रिस्क। यहां पे एडवर्स हैपनिंग दैट इज अ रिस्क। तो यहां पे रिस्क कैसे होता है, एक एग्जांपल से आप समझिए। एक यूएसए का, एक यूएसए का एफआईआई है, यूएसए का एफआईआई, यूएसए का एफआईआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यूएसए का एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एफआईआई फ्रॉम यूएसए। इनके पास डॉलर 1 लाख है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास डॉलर 1 लाख है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो इन्वेस्ट करता है, लाइक म्यूचुअल फंड एलआईसी दैट इज द फ्रॉम यूएसए। इनके पास डॉलर 1 लाख है, सपोज कीजिए आपके पास, इनके पास डॉलर 1 लाख है फॉर वन ईयर, वन ईयर। इस यूएसए के एफआईआई के पास डॉलर 1 लाख है एक साल के लिए सरप्लस। वो चाहता है कि वो शॉर्टलिस्टेड किया कि हम कहां पे इन्वेस्ट करें इस पैसे को, ये फाइंड आउट किया कि मैं चलता हूं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया में इन्वेस्टमेंट की रेट क्या था, 10% था। इंडिया की इन्वेस्टमेंट की रेट उनके पास कितनी है, 10% है। क्लियर है ना सर? इंडिया में इन्वेस्टमेंट की रेट 10% की है, तो 10% की इन्वेस्टमेंट की रेट है यहां पे, 10% का इन्वेस्टमेंट का रेट है। तो ये जो एफआईआई है, इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया में इन्वेस्ट करने की रेट कितनी है, 10% की है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वो पैसा लेकर इंडिया में आएगा, और इंडिया में लेकर आने के बाद उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा रुपीज में, और रुपीज में कन्वर्ट करके वो इंडिया में रुपीज में इन्वेस्ट करेगा। फर्स्ट इंडिया में पैसा लेकर आएगा, उसको कन्वर्ट करेगा रुपीज में, रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद उसको इन्वेस्ट करेगा। तो यहां पे वो क्या करेगा, सबसे पहला इक्विवेलेंट रुपीज फॉर डॉलर 1 लाख एट स्पॉट रेट, डॉलर 1 इक्वल टू रुपीज 40,
डॉलर 1 लाख इक्वल टू रुपीज 40 लाख इनके पास आ जाएगा, और दिस 40 लाख एफआईआई यूएसए एफआईआई विल इन्वेस्ट इन इंडिया। तो रिटर्न की परसेंटेज यदि 10% है तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स, क्या अमाउंट आफ्टर 1 ईयर? तो इफ रिटर्न परसेंटेज इज 10%, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% रिटर्न, एट द रेट ऑफ 10% रिटर्न, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% रिटर्न, अगर आपके पास 10% की रिटर्न चाहिए तो कितना आपके पास अमाउंट आएगा? अगर आपको 10% की रिटर्न चाहिए तो कितनी आपके पास अमाउंट आएगा? तो 10% रिटर्न चाहिए तो अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? रुपीज 40 लाख आपके पास था, 1 प्लस 0.10 आपके पास 44 लाख हो जाएगा। एफआईआई यहां पे तो बहुत खुश हो जाएगा कि हमने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और एक साल के बाद वो 44 लाख हो गया, 4 लाख उनके पास रिटर्न आ गया। एफआईआई विल बी हैप्पी, एफआईआई हैप्पी होगा, खुश होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एफआईआई यूएसए एफआईआई हैज टेकन मनी इन इंडिया इन डॉलर, तो एक्चुअली वो जो रिटर्न खोजेगा वो किस में खोजेगा? डॉलर में खोजेगा। एक्चुअली वह जो रिटर्न खोजेगा वो कौन सी करेंसी में खोजेगा? वो डॉलर में रिटर्न खोजेगा। तो डॉलर में उनके पास कितनी रिटर्न आई वो फाइंड आउट करने का। तो इट मे बी एक्सचेंज रेट डिफरेंट फ्रॉम करंट स्पॉट रेट, एक्सचेंज रेट डिफरेंट फ्रॉम करंट स्पॉट रेट। मान लीजिए एक साल के बाद जब उस एफआईआई को यूएसए पैसा लेकर जानी है, सपोज करो एक साल के बाद उस एफआईआई को यूएसए में पैसा लेकर जानी है, उस एफआईआई को यूएसए में पैसा लेकर जानी है तो पैसा कितना लेकर जाएगा? तो उस एफआईआई को यूएसए में पैसा लेकर जानी है तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट डॉलर फॉर रूपी 44 लाख एट स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर, स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर रुपीज 50 इक्वल टू, मान लीजिए एक साल के बाद एक्सचेंज रेट रूपी 50 है, एक्सचेंज एक साल के बाद एक्सचेंज रेट रूपी 50 इक्वल टू डॉलर 1, तो रूपी 44 लाख इक्वल टू डॉलर 1/50 इंटू 44 लाख, ये कितना हो जाएगा? डॉलर 88,88,000 हो जाएगा। प्लीज इसको कॉपी करो। जस्ट आप देखिए, आपके पास डॉलर, आपके पास कितना आ गया? डॉलर 88,000 आ गया। तो ये जो डॉलर 88,000 आया, जो एफआईआई जितना पैसा यूएसए से लाया था उससे भी कम लेकर गया, एफआईआई यूएसए से जो पैसा लाया था उससे भी कम लेकर गया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? जितना पैसा लाए थे भाई साहब उससे भी कम लेकर चले गए, जितना पैसा लाए थे उससे भी पैसा कम लेकर गए। तो क्या इसको रिस्क नहीं कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? रिस्क नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कमाया नहीं था, इंडिया में लाकर उसने 10% कमाया था, लेकिन वो जो अर्निंग की थी वो रुपीज में, और उसने पैसा कौन सी करेंसी में लाया था? डॉलर में लाया था। तो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन करेंसी, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन करेंसी देयर इज अ रिस्क।
देर इज ए रिस्क। तो रिस्क है टाइम, दो अलग अलग टाइम पीरियड में। व्हाई देर इज ए रिस्क? बिकॉज टू डिफरेंट टाइम्स देर आर टू डिफरेंट रेट्स, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट रेट्स फॉर टू डिफरेंट टाइम्स, देर आर टू डिफरेंट रेट्स फॉर टू डिफरेंट टाइम्स, दैट्स व्हाई देर इज ए रिस्क। तो वो रिस्क है तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे वो आपको सिखाया जाएगा इसी। वो रिस्क है तो हाउ टू मैनेज दिस रिस्क, तो वो रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको सिखाई जाएगी। दूसरी मैं एक और एग्जांपल में देना चाहता हूं, एक और एग्जांपल में देना चाहता हूं, जस्ट आप समझिए। यहां पे मैंने क्या कहा कि फॉरेन करेंसी तो $100,000 लाया था और लेकर गया कितना 88,000, तो इट इज अ रिस्क, हमारे यहां पे रिस्क है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ी सी कन्वर्ट करेंगे हम। अगर सपोज कीजिए एक दूसरी एग्जांपल ले लीजिए, एक दूसरी एग्जांपल रिस्क का हम देखेंगे। तो रिस्क को एक दूसरी एग्जांपल में देखना चाहता हूं कि सपोज करो एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए, इंडियन कंपनी है, यहां पे यूएसए का कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है, यहां पे इंडियन कंपनी है। ए यूएसए कंपनी ने क्या किया, इनको क्या किया, ऑर्डर किया कि सर आप मुझे प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर ऑफ गुड्स ए बी एंड सी। यूएसए कंपनी ने ऑर्डर प्लेस किया कि आप ए बी सी गुड को एक्सपोर्ट कर दो, और इन्होंने उस गुड्स को क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, यहां पे एक्सपोर्ट कर दिया। इंडियन कंपनी ने यूएसए कंपनी को गुड्स क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। गुड्स की हमारे पास सेल्स रिवेन्यू था रुपीज, इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे फ्रॉम इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू द एक्सपोर्ट वैल्यू इन रूपी 60 लाख एट थ्री मंथ क्रेडिट। इंडियन कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट की वैल्यू रूपीज 3 लाख है, 3 मंथ क्रेडिट। अब देखिए इंडियन कंपनी रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, उसके लिए वो पेमेंट किया होगा रुपीज में। इंडियन कंपनी लेबर को पेमेंट किया होगा, उसका मतलब रुपीज में। इंडियन कंपनी ओवरहेड दिया होगा, ओवरहेड खर्च किया होगा रुपीज में। सारी हमारी प्रॉफिट ऐड किया होगा रुपीज में और सेल्स रिवेन्यू आपके पास रुपीज में आ गए। लेकिन यूएसए का जो इंपोर्टर है, यूएसए का इंपोर्टर कर रहा है, नहीं सर हम तो पेमेंट जो करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, हम डॉलर में करेंगे। तो आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आप डॉलर में पेमेंट रिसीव करो। अब आपने कहा चल यार आज की जो मार्केट की रेट है उसे हम डॉलर में क्या करते हैं, प्राइस कोट कर देते हैं। तो टूडे जो स्पॉट रेट क्या है, टूडे आज की स्पॉट रेट आपके पास है रुपीज 60 इक्वल टू डॉलर वन, रुपीज 60 लाख इक्वल टू डॉलर 1 लाख आपके पास आ गया। आज की स्पॉट प्राइस के बेस पे हमारे पास रुपीज 60 लाख इक्वल टू डॉलर 1 लाख आ गया आपके पास, रुपीज 60 लाख इक्वल टू डॉलर 1 लाख आ गया सर आपके पास, रुपीज 60 लाख इक्वल टू डॉलर 1 लाख आपके पास आ गया। तो रुपीज 60 लाख इक्वल टू डॉलर 1 लाख आपके पास आ गया सर, इस केस में क्या करोगे, आप एक्सचेंज कराओगे सर, ऐसी आप एक्सचेंज कराओगे इस केसेस में। अब आप प्लीज समझने की कोशिश करो, आप
तो आपको एज पर टर्म्स एंड कंडीशन यू आर गोइंग टू रिसीव आफ्टर 3 मंथ डॉलर 1 लाख। यू आर हैप्पी, आप खुश है कि लेट्स गो आई विल रिसीव डॉलर 1 लाख आफ्टर 3 मंथ, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रुपीज 60 लाख, हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज आपने प्रॉफिट 5 लाख ऐड किया हुआ या 4 लाख ऐड किया हुआ या 3 लाख प्रॉफिट ऐड किया हुआ, दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, द केस इज आफ्टर 3 मंथ द डॉलर विल कम टू यू एंड यू विल कन्वर्ट द सेम डॉलर इन टर्म्स ऑफ रूपी आफ्टर थ्री एट यूजिंग आफ्टर 3 मंथ स्पॉट रेट। यू आर नॉट नोइंग द एनी द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिस्क, तो आप वेट कर रहे हैं 3 महीने के बाद। सपोज आफ्टर 3 मंथ्स यू रिसीव डॉलर 1 लाख, आप 3 महीने के बाद आपने डॉलर 1 लाख आपने रिसीव किया, आफ्टर 3 मंथ यू रिसीव डॉलर 1 लाख। चलो सर आफ्टर 3 मंथ आपने क्या किया, आपने रिसीव कर लिया डॉलर 1 लाख आपने रिसीव कर लिया। आफ्टर 3 मंथ यू रिसीव्ड इंडियन कंपनी रिसीव डॉलर 1 लाख, इंडियन कंपनी रिसीव डॉलर 1 लाख। अब इंडियन कंपनी जो डॉलर 1 लाख रिसीव किया, इस डॉलर को इंडियन कंपनी क्या करेगी, कन्वर्ट कराएगी। इंडियन कंपनी डॉलर 1 लाख रिसीव किया, इसको कंपनी क्या करेगी, कन्वर्ट कराएगी। आफ्टर 3 मंथ इंडियन कंपनी रिसीव डॉलर 1 लाख, तो इंडियन कंपनी 3 महीने की जो मार्केट में रेट रहेगा उस रेट से वो कन्वर्ट कराएगी। सपोज करो, मान लो आफ्टर थ्री मंथ एक्सचेंज रेट आपके पास कितनी है, $1 इक्वल टू ₹55, $1 लाख इक्वल टू 55 लाख, $1 लाख इक्वल टू ₹55 लाख, यू विल रिसीव इन प्लेस ऑफ $1 लाख ₹55 लाख। और ये जो रुपीज में जो वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ रुपीज इज लोअर देन व्हाट इज गोइंग टू रिसीव। जो रुपीज की वैल्यू है वो लोअर है जो उसने एक्सपेक्ट किया था रिसीव का, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू था उससे आपका लोअर है। तो लोअर जो वैल्यू है तो कौन सा है आपको, क्या उसने 60 लाख एक्सपेक्ट किया था, 55 लाख रिसीव किया। दिस इज ड्यू टू द फॉरेन करेंसी रिस्क, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। तो 60 लाख के प्लेस पे आपने 55 लाख रिसीव करेंगे, क्या आपके एक्सचेंज रिस्क है कि नहीं है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्क ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तब दो अलग अलग टाइम पीरियड में आपका एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू अलग होने से आपके पास क्या होता है, फॉरेन करेंसी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रिसीव करते हैं, इसीलिए आपके पास क्या होता है, एक रिस्क होता है। उस रिस्क को क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। दैट इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क, दैट इज सेड टू बी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। क्लियर है ना बेटा। तो हम इस चैप्टर में आपको दो चीजें बताएंगे, सबसे पहले बेसिक जो कंसेप्ट है वो तो बताएंगे ही, उसके बाद हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया, इसमें एक तो टाइप ऑफ करेंसी एक वो हमने कंप्लीट किया, और दूसरा मैंने आपको क्या समझाया कि रिस्क को कैसे मैनेज, रिस्क क्या होता है और कैसे फॉरेन करेंसी के साथ रिस्क आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़नी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखता हूं यहां पे। फॉरेन करेंसी को रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा,
प्लीज कंसंट्रेट करो। यहां पे सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है उसको मैं लिखता हूं। सबसे पहला है टाइप ऑफ करेंसी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा है कोटेशन ऑफ करेंसी। तीसरा है कोटेशन ऑफ बैंक। नेक्स्ट है कोटेशन आफ्टर एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। फिफ्थ है क्रॉस कोटेशन। कोटेशन आफ्टर बीड आस्क मार्जिन। कोटेशन आफ्टर बीड आस्क मार्जिन। दिस बीड आस्क मार्जिन। स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम परचेज पावर पैरिटी थ्योरम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिया। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिया। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिया। इसके बाद फिशर इफेक्ट। इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज। इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अर्ली डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी, एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अर्ली डिलीवरी, फिर फॉरवर्ड मार्जिन और स्वैप, मार्जिन और स्वैप, फॉरवर्ड मार्जिन और स्वैप आ गया, प्रोजेक्ट्स अप्रेजल्स, अप्रेजल्स दैट इज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल दैट इज इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, जहां पे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, फिर ट्रांसलेशन एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑफ करेंसी, करेंसी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, इसके बाद हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन मनी रोल ओवर, रोल ओवर मनी मार्केट ऑपरेशन, मनी रोल ओवर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक दो क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैक्सिमम ऑफ डेरिवेटिव में स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्वैप भी आ जाएगा इसमें, स्वैप करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट स्वैप, इतने सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं इस चैप्टर्स में। इतने सारे टॉपिक स्टडी करनी है, हम आपको आज
टाइप ऑफ करेंसी तो मैंने बताया दिया, दो टाइप की करेंसी होती है, एक तो होम करेंसी होती है, एक फॉरवर्ड करेंसी होती है। जो होमलैंड में यूज किया जाता है उसको होम करेंसी कहते हैं, जो अदर देन होमलैंड यूज किया जाता है उसको फॉरवर्ड करेंसी कहा जाता है। दूसरी कोटेशन को हम स्टडी करते हैं, कोटेशन ऑफ करेंसी। हम स्टडी करते हैं आज कोटेशन ऑफ करेंसी। अप्रॉक्स 40 आवर्स का चैप्टर है, कोटेशन ऑफ करेंसी। कोटेशन ऑफ करेंसी सर, कोटेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोटेशन ऑफ करेंसी को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हमारे पास होता है डायरेक्ट कोट और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट कोट। एक तो हमारे पास डायरेक्ट कोट होता है और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट कोट होता है। तो एक तो डायरेक्ट कोट हो गया, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट कोट हो गया। तो डायरेक्ट कोट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट कोट किसे कहते हैं, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप करेंसी को ऐसे कोट करते हैं, हमारे पास दो तरह की कोटेशन है, एक तो डायरेक्ट कोट है एक इनडायरेक्ट कोट है। सर आप सिंपल सी बात है, यहां पे मैंने लिखा कोटेशन ऑफ करेंसी, हम लिखते हैं जैसे मैंने आपको लिखा रूपी पर डॉलर इज 50, मैंने ऐसे लिखा रूपी पर डॉलर इज 50, रूपी पर डॉलर इज 50, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं रुपी पर डॉलर इज 50। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि डॉलर वन इक्वल टू रुपी 50, इसका मतलब ये हुआ डॉलर वन इक्वल टू रुपी 50 हो गया। एक डॉलर में 50 रुपया है, हम दोनों साइड में डिवाइडेड बाय 50, हमने कहा कि डिवाइडेड बाय 50 दोनों साइड में, इन बोथ साइड्स डॉलर डिवाइडेड बाई 50, रुपी डिवाइडेड बाई 50 50, तो डॉलर 0.020 इक्वल टू रुपी 1। सर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रुपी 1 लिख सकते हैं, यहां पे रुपी 1 लिख सकते हैं। अब आप प्लीज समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.020 हो गया, रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.020 हो गया। तो यहां पे डिफरेंसेस क्या है, हमने यहां पे रुपया को नंबर ऑफ यूनिट में लिखा, यहां पे रुपया को नंबर ऑफ यूनिट में लिखा। ये सेम इसी कोटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी कोटेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे रुपीज को मैंने सिंगल यूनिट में लिखा, यहां पे रुपीज को मैंने क्या लिखा, सिंगल यूनिट में लिखा। बट बोथ आर द सेम मीनिंग, बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों का अगर वैल्यूज देखा जाए तो दोनों की वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे मैं अगर रुपी 1 इक्वल टू डॉलर लिखूंगा, रुपी 1 इक्वल टू यदि डॉलर 0.020 लिखूंगा, तो दिस इज सेट टू बी हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको आपको एक रुपया में इतना डॉलर, इतने डॉलर में इतना रुपया। तो होम करेंसी जो है इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, एक रुपये में इतनी डॉलर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, डॉलर पर रुपी इज जीरो टू जीरो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो कोटेशन को ऐसे लिखा जा सकता है
एक तो कोटेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब क्या होता है, यह होता है, ठीक है ना सर। अब देखिएगा यार, देखिएगा सिंपल सी मतलब है, सिंपल सा। तो जब हम ऐसे समझिए, तो याद करने की तरीका ऐसे देखिए, याद करने की, रुपी पर डॉलर इज 50, इसको हम डायरेक्ट कोट कहते हैं। रुपी पर डॉलर इज 50, इसको डायरेक्ट कोट कहते हैं। और डॉलर पर रुपी इक्वल टू, डॉलर पर रुपी इक्वल टू 0.020, इसको क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट कोट कहते हैं। इसको इनडायरेक्ट और इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट कोट कहते हैं। रुपी पर डॉलर इज 50, डॉलर पर रुपी इक्वल टू, इसको इसको इनडायरेक्ट और इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट। अब देखिए यहां पे इसको कहते हैं डायरेक्ट, इसका नाम होता है डायरेक्ट कोट, हम इसको डायरेक्ट कोट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कोट, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोट बोला जाता है। अब लॉजिकली आप लोग समझने की कोशिश किए, याद करने की तरीका देखिए कितना इजीली याद किया जा सकता है। देखिए जब हमारे घर की करेंसी ना, हमारे घर की करेंसी जैसे हमारी करेंसी, जैसे इंडिया में रुपीज कौन सी है, हमारी होम कंट्री एक होम करेंसी है ना, इंडिया के रुपीज होम करेंसी है। याद करने का तरीका देखिए, इंडिया में अगर होम करेंसी रुपीज है, होम करेंसी, अब होम करेंसी को डायरेक्ट बोला जाता हो, ये होम करेंसी का पहले नाम आता हो, पहले मैंने डायरेक्ट उसका नाम आता हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट कोट। जब होम करेंसी का पहले नाम आता है उसको डायरेक्ट कोट कहते हैं। उसी होम करेंसी की, उसी होम करेंसी को जब इनडायरेक्ट रूप से बोल लेते हैं, इनडायरेक्ट, पहले डॉलर बाद में होम करेंसी, बाद में होम करेंसी जब बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है, इनडायरेक्ट कोट कहते हैं। जब बाद में बोला जाता है उसको इनडायरेक्ट, और जब पहले बोला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट कोट कहते हैं। तो डायरेक्ट कोट में हमारे पास ये लिखा जाएगा, डायरेक्ट कोट में हम क्या लिख सकते हैं, रुपी पर डॉलर इज 50 बोलेंगे, तो दिस इज योर डायरेक्ट कोट। और इसी को जब हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसी को जब हम ऐसे लिखेंगे, डॉलर पर रुपी इज 0.020, तो इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो दिस इज योर डायरेक्ट कोट एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट कोट, दिस इज योर डायरेक्ट कोट एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट कोट, दिस इज इनडायरेक्ट कोट एंड दिस इज अ डायरेक्ट कोट। अब देखिए जब होम करेंसी को डायरेक्टली बोला जाता हो उसको डायरेक्ट कोट कहते हैं, जब होम करेंसी को इनडायरेक्ट रूप से बाद में बोला जाता हो उसको इनडायरेक्ट कोट कहते हैं। ये तो याद करने का तरीका हो गया, अगर कहीं डिफिनेशन ऐसे थोड़ी दिया जाता है, हम पहले बोलेंगे तो डायरेक्ट, बाद में बोलेंगे तो इनडायरेक्ट, ऐसे तो डिफिनेशन हो ही नहीं सकता। तो डिफिनेशन में देखिए कैसे डिफिनेशन दिया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, कि जब होम करेंसी को नंबर ऑफ यूनिट लिखा जाता हो तो ऐसी कोटेशन को हम डायरेक्ट कोट कहते हैं। तो जैसे रुपी पर डॉलर, तो फॉरेन करेंसी को यहां पे पर बोला गया ना, तो जिसको पहले बोलेंगे वो तो नंबर ऑफ यूनिट में होगा, जिसको पहले बोलेंगे वो तो नंबर ऑफ यूनिट में होगा। तो रुपी पर डॉलर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रुपी पर डॉलर इज 50, तो रुपी पर डॉलर इज 50 यहां पे मैंने बोल दिया, क्लियर है ना सर। तो रुपी पर डॉलर इज 50 मैंने यहां पे बोला, क्लियर है। अब देखिए डॉलर पर रुपी जब इनडायरेक्ट रूप से अपने होम करेंसी का नाम लेते हैं उसको इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है, तो जब डायरेक्ट नाम लेते हो नंबर यूनिट में होता है। जो रुपी पर डॉलर, तो एक डॉलर में रुपया, तो नंबर ऑफ यूनिट रुपीज है ना, यहां पे नंबर ऑफ यूनिट रुपीज है। और यहां पे देखिए डॉलर पर रुपी एक रुपये में कितनी डॉलर, तो डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। देखिएगा यहां पे बोलेंगे $1 = ₹50, यहां पे बोलेंगे ₹1 = $0.020 बोला जाएगा, ऐसे।
अब देखिएगा इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, अ कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट, अ कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट इन व्हिच होम करेंसी इज रिटेन, होम करेंसी इज रिटेन, होम करेंसी इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट, होम करेंसी इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट। होम करेंसी को हम किस में लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट में लिखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कोट कहेंगे। अ कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट इन व्हिच होम करेंसी इज रिटेन, होम करेंसी इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट, इन नंबर ऑफ यूनिट, उसको क्या कहेंगे सर, हम डायरेक्ट कोट कहेंगे। अ कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट, अ कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट इन व्हिच होम करेंसी इज रिटेन, होम करेंसी इज रिटेन नंबर ऑफ यूनिट नंबर, तो इसको इंडिया के लिए क्या कहेंगे, डायरेक्ट कोट कहेंगे, दिस इज अ डायरेक्ट कोट। अब आप पूछिएगा सर यूएसए के लिए क्या कहेंगे, तो एक यूएसए का इन्वेस्टर कहेगा तो ये कहेगा इनडायरेक्ट कोट है, फॉर इंडिया इट इज अ डायरेक्ट, फॉर यूएसए इट इज अ इनडायरेक्ट, लेकिन यूएसए के लिए जब यही होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट कोट होगा, इनडायरेक्ट कोट होगा, ठीक है ना सर। अब देखिए यहां पे अ कोटेशन इज सेड टू बी इनडायरेक्ट इन व्हिच होम करेंसी इज रिटेन सिंगल यूनिट, इन व्हिच होम करेंसी इज रिटेन इन सिंगल यूनिट, जब सिंगल यूनिट में होम करेंसी है तो उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे, लेकिन यूएसए के लिए ये डायरेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है ना सर, हम यहां पे लिखते हैं अ कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट इन विच होम करेंसी इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट, होम करेंसी इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट, हेयर रूपी, हेयर रूपी 50 इज रिटेन, रिटेन फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी करेंसी डॉलर वन, रूपी 50 इज रिटेन फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन, रूपी 50 एज अ होम करेंसी इज रिटेन फॉर सिंगल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर, हैंस द कोटेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट, इस कोटेशन को हम क्या कहेंगे सर, डायरेक्ट कोट कहेंगे। दूसरी डायरेक्ट कोट कोटेशन कौन कौन सी हो सकती है सर, रूपी पर पाउंड इज 80, रूपी पर एन इज 0.4532, ये दीज ऑल कोटेशन आर सेड टू बी डायरेक्ट कोट, ठीक है सर, दिस इज अ डायरेक्ट कोट। सर देखिए इस कोटेशन को हम डायरेक्ट कोट कहेंगे क्योंकि जो होम करेंसी रुपीज है उसको सिंगल यूनिट में लिखा गया हो, तो द कोटेशन इज सेड टू बी इनडायरेक्ट कोट इन व्हिच होम करेंसी इज रिटेन इन सिंगल यूनिट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, द कोटेशन इज सेड टू बी इनडायरेक्ट कोट
इन विच होम करेंसी, होम करेंसी होम करेंसी तो होम करेंसी हमारे पास क्या है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से रुपीज, होम करेंसी इज रिटेन इन सिंगल यूनिट, इन होम करेंसी इज रिटेन इन सिंगल यूनिट, द कोटेशन इज सेट टू बी इन डायरेक्ट कोट इन विच होम करेंसी इज रिटेन इन सिंगल यूनिट, उसको क्या कहेंगे हम इनडायरेक्ट कोट कहेंगे, और द कोटेशन इज सेट टू बी इन डायरेक्ट कोट इन विच होम करेंसी इज रिटेन इन सिंगल यूनिट, जब सिंगल यूनिट में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है। अब यहां पे हमारे पास हेयर होम करेंसी रुपी वन यहां पे होम करेंसी रुपी वन इज रिटेन फॉर नंबर ऑफ यूनिट हेयर रुपी वन इज रिटेन फॉर नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर 0.020 हेंस इट इज अ हेंस इट इज अ इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट ये आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, हेंस इट इज अ इनडायरेक्ट कोट, इसलिए ये वाला क्या होगा इनडायरेक्ट कोट होगा। एग्जाम्पल के लिए पाउंड पर रूपी 0.01815 कर दो, एन पर रूपी 2.4312 ये हो जाएगा, तो दीज आर द इनडायरेक्ट कोट और ये डायरेक्ट कोट। तो सर हमारे पास दो टाइप की कोटेशंस होता है, एक तो डायरेक्ट कोट होता है और दूसरा क्या होता है सर इनडायरेक्ट कोट होता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक तो डायरेक्ट कोट होता है दूसरा क्या होता है सर इनडायरेक्ट कोट होता है, ठीक है। उस कोटेशन को हम डायरेक्ट कोट कहते हैं जिस कोटेशन में होम करेंसी को नंबर ऑफ यूनिट में लिखा जाता हो उसको डायरेक्ट कोट कहते हैं, ऐसी कोटेशन को इनडायरेक्ट कोट कहते हैं जिसमें होम करेंसी को रुपीज में लिखा जाता हो। जैसे हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इंडिया में रुपीज को नंबर ऑफ यूनिट में लिखा जाता हो तो उसको डायरेक्ट बोला जाएगा, इंडिया में रुपीज को अगर सिंगल यूनिट में लिखा जाएगा इसको क्या कहेंगे हम इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। इसकी कंसेप्ट याद करने की तरीका क्या है, रुपीज को अगर डायरेक्टली नाम ले रहे हैं तो उसको डायरेक्ट कोट कहेंगे, रुपीज को अगर इनडायरेक्ट रूप से नाम ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे इनडायरेक्ट कोट कहेंगे, ये याद करने का एक तरीका है। डिफाइन हम देंगे ऐसे, डिफिनेशन हम ऐसे देंगे, क्लियर है ना सर। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, जैसे सपोज कीजिए डॉलर पर पाउंड इज 1.2516 ऐसे कोटेशन लिखा हुआ है, ये आपको ऐसी कोटेशन लिखा हुआ है डॉलर पर पाउंड इज 1.2516 दिस इज अ कोटेशन, दिस कोटेशन इज रिटन हियर डॉलर पर पाउंड इज 1.2516 दिस इज द कोटेशन, यह कोटेशन आपको लिखी हुई है। तो सर इस कोटेशन को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस कोटेशन, आप कैसे इस कोटेशन को रिप्रेजेंट, ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट, वी आर अ इंडियन, इन द केस ऑफ इंडियन पर्सन दिस इज अ नॉट अ डायरेक्ट दिस इज अ नॉट अ इनडायरेक्ट
क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, फॉरेन करेंसी में है। यहां पे तो होम करेंसी है नहीं, डिफिनेशन में क्या कहता है कि होम करेंसी के बेस पे डिफाइन की गई है। तो होम करेंसी अगर नंबर ऑफ यूनिट में है तो उसको डायरेक्ट, होम करेंसी अगर सिंगल यूनिट में है तो उसको क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट कोड कहा जाता है। तो सर यहां पे डॉलर भी फॉरेन करेंसी है, पाउंड भी फॉरेन करेंसी है, तो यहां पे तो होम करेंसी कोई है नहीं, तो कैसे डिफाइन करोगे सर? तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, हम ऐसे लिखते हैं 1.2516, हम कहेंगे फॉर यूके, यूके यूके के लिए इट इज इनडायरेक्ट कोड। हम यूके की पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि सर ये वाला इनडायरेक्ट कोड में है, फॉर यूके इट इज अ इनडायरेक्ट कोड। यूके की पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे, फॉर यूके इट इज अ इनडायरेक्ट कोड, फॉर यूके इट इज अ इनडायरेक्ट कोड। और फिर कहेंगे फॉर यूएसए, फॉर यूएसए, यूएसए इट इज डायरेक्ट कोड। यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, डायरेक्ट कोड कहेंगे, क्योंकि यूएसए के नंबर ऑफ यूनिट में है। तो द यूएसए के कस्टमर जो देखेगा सिटीजन, वो क्या कहेगा, हमारी होम करेंसी नंबर ऑफ यूनिट में है इसीलिए डायरेक्ट है। यूके का सिटीजन तो देखेगा क्या कहेगा, यूके का कि हमारी होम करेंसी सिंगल यूनिट में, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट कोड है। तो दिस इज द केस वेयर डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड इज डिफाइंड। क्लियर है ना सर, डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड इज डिफाइंड। हाँ जी सर, ठीक है ना। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ओके थैंक यू। मैं अभी क्वेश्चन करते हैं, प्लीज आप कॉपी करो। तो आप हम एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड पे, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8.51, क्वेश्चन नंबर 163 पेज 8.51। क्वेश्चन नंबर 163 पेज 18.51। क्वेश्चन नंबर 163 पेज 8.51, इन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द सॉरी 164 नंबर क्वेश्चन है, 164 इन्होंने लिखा हुआ है द फॉलोइंग डायरेक्ट कोड्स हैव बीन ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉरेक्स मार्केट। डायरेक्ट कोड ऑब्जर्व किया गया है, कैसे डायरेक्ट कोड ऑब्जर्व की गई है, रूपी पर यूएसए डॉलर इज,
43.70, इसको कैसे लिख सकते हैं, डॉलर वन इक्वल टू रूपी 43.70, रूपी पर पाउंड इज 77.02, पाउंड वन इक्वल टू रूपी 77.02, रूपी पर यूरो इज 53.50, यहां पे यूरो वन इक्वल टू रूपी 53.50। सर ये तीन आपको कोटेशन दिया हुआ है, तीन कोटेशन दिया हुआ है सर, और आप बताइए ये जो कोटेशंस है, ये कोटेशंस आपका डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है, ये जो कोटेशंस है आपकी डायरेक्ट कोट में है या इनडायरेक्ट कोट में है। तो सर सारी कोटेशंस में नंबर ऑफ यूनिट लिखी गई है, नंबर ऑफ यूनिट, तो सारी कोटेशन में यदि नंबर ऑफ यूनिट लिखा गया है तो दिस इज अ डायरेक्ट कोट, दिस इज अ डायरेक्ट कोट, ये डायरेक्ट कोट में है, दिस इज अ डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, क्लियर है ना सर। तो ये हमारी डायरेक्ट कोट में है। व्हाई इट इज अ डायरेक्ट कोट, बिकॉज इट इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट, इट इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट, होम करेंसी इज रिटेन नंबर ऑफ यूनिट, यहां पे होम करेंसी इज रिटेन नंबर ऑफ यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट कोट। दूसरे तरीका से क्या बोल सकते हैं, यहां पे हमने होम करेंसी को डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, यहां पे होम करेंसी का डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, यहां पे होम करेंसी का नाम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो इसीलिए ये कौन सी कोटेशन होगी, इसको हम डायरेक्ट कोट कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन कहा गया कि ये जो सारी जो डायरेक्ट कोट है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ये जो सारी डायरेक्ट कोट है उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ये सारी डायरेक्ट कोट जो है उसको क्या करो आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का, बहुत ही सिंपल सी मतलब है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का। हम क्या करेंगे, यहां पे रुपीज को सिंगल यूनिट में लाएंगे, रुपीज को सिंगल यूनिट लाएंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कन्वर्टिंग डायरेक्ट कोट इंटो इनडायरेक्ट कोट, तो डॉलर वन इक्वल टू रूपीज 43.70 डिवाइडेड बाय, अब रूपी को वन बनाना है, रूपी को वन बनानी है तो जो राइट हैंड साइड में उसे डिवाइड कर दो, रूपी को वन बनानी है जो राइट हैंड साइड में उसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय रूपी 43.70 इन बोथ साइड, बोथ साइड, तो डॉलर वन डिवाइडेड बाय 43.70, 43.70, 43.70 डॉलर, हमारे डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 43.70 यहां पे 0.02288 इक्वल टू रूपी वन, हम लिख सकते हैं डॉलर पर रूपी इज 0.02288। सर ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट कोट में आ गया सर, ये आपकी इनडायरेक्ट कोट में आ गई, ये आपका इनडायरेक्ट कोट में आ गया, तो दिस इज योर इनडायरेक्ट कोट, ये आपकी इनडायरेक्ट कोट में आ गया और ये आपका इनडायरेक्ट कोट में है 0.02288, दिस इज योर इनडायरेक्ट कोट। अब हम सेकेंड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके बता देता हूं कि आप कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड पाउंड वन इक्वल टू रूपी 77.02 वन डिवाइड बाय 0.7702
0.02। अब पाउंड हम डिवाइड करेंगे तो 77.02, यहां पे पाउंड 0.01298 इक्वल टू रूपी 1। हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, पाउंड पर रूपी 0.01298। तो दिस इज आपको क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट कोट में आ गया। अब आपको फ्रॉम थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, ये आप खुद बना लें। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कोट में बनाने में कितना आपको कैसे की जाती है, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया। यहां एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन पेज 8.1। क्वेश्चन नंबर वन पेज 8.1 यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास है यूएसए डॉलर वन इक्वल टू, यूएसए डॉलर वन इक्वल टू, यहां पे डॉलर वन इक्वल टू पाउंड 0.6184, डॉलर वन इक्वल टू डच मार्क्स 1.3733, डॉलर वन इक्वल टू एन 105। ये आपकी तीसरा इक्वेशन है। इन्होंने क्वेश्चन कहा डेराइव डायरेक्ट कोट्स इन यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान फॉर वेरियस फॉरेन करेंसी। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करो यूएसए वाली करेंसी को, यूएसए वाली करेंसी को, यूके की करेंसी को, जापान की करेंसी को, बाकी सारी करेंसी के रेस्पेक्ट में। तो मैं एक करेंसी को डायरेक्ट बनाता हूं बाकी दूसरे करेंसी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? आपको क्वेश्चन पूछी गई पाउंड को डायरेक्ट बनाओ, पाउंड को डायरेक्ट बनाओ डच मार्क्स के रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में, डॉलर के रेस्पेक्ट में। पाउंड को डायरेक्ट बनाओ, पाउंड को डायरेक्ट बनाओ एन के रेस्पेक्ट में, पाउंड बनाओ डच मार्क्स के रेस्पेक्ट में, डच मास को डायरेक्ट बनाओ एन के रेस्पेक्ट में, एन के डच मास को डायरेक्ट बनाओ पाउंड के रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में, फिर डॉलर के रेस्पेक्ट में। हर एक एक करेंसी को डायरेक्ट बनानी है बाकी सारे करेंसी के रेस्पेक्ट में, हर एक एक करेंसी को डायरेक्ट बनानी है बाकी सारी करेंसी के रेस्पेक्ट में, आपको डायरेक्ट बनानी है हर एक एक करेंसी को डायरेक्ट बनानी है बाकी सारी करेंसी के रेस्पेक्ट में आपको डायरेक्ट बनानी है। क्लियर है ना बेटा? तो हर एक एक करेंसी को डायरेक्ट बनानी है बाकी सारी करेंसी के रेस्पेक्ट में। तो मैं एक बनाता हूं और वो बनाता हूं मैं पाउंड को, कन्वर्टिंग पाउंड एज अ डायरेक्ट कोट इन रेस्पेक्ट ऑफ डॉलर फ्रॉम फर्स्ट, डॉलर वन इक्वल टू पाउंड 0.6184,
पाउंड पर डॉलर इज 0.6184। ये तो डायरेक्ट ऑलरेडी है, इट इज ऑलरेडी गिवन डायरेक्ट। ये आपको डायरेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको दूसरा हम करते हैं, कन्वर्टिंग पाउंड एज अ डायरेक्ट फ्रॉम द या इन रेस्पेक्ट ऑफ डच मार्क्स। हम डच मार्क्स के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ डच मार्क्स के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी नीड द रिलेशन बिटवीन डच मार्क्स एंड पाउंड। और डच मार्क्स पाउंड के रेस्पेक्ट में ये वाला दो रिलेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए डॉलर वन इक्वल टू ये इतना है और डॉलर वन इक्वल टू ये है, दोनों डॉलर वन इक्वल टू है, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। डच मार्क्स 1.3733 0.6184 हमें डायरेक्ट किसको बनानी है, हमें पाउंड को डायरेक्ट बनानी है। तो जो डायरेक्ट होता है वो नंबर ऑफ यूनिट में होता है, तो बाकी जो करेंसी है वो सिंगल यूनिट में होगा। हमें ये नंबर ऑफ यूनिट बनानी है, तो एक नंबर ऑफ यूनिट में होता है और एक सिंगल यूनिट में होता है। तो डच मास को हमें क्या बनानी है, सिंगल यूनिट बनानी है। तो सिंगल यूनिट बनाने, ये सिंगल यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.3733 से क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, 1.3733 से दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1.3733 इन बोथ साइड्स, डच मार्क्स वन इक्वल टू पाउंड, पॉइंट सिक्स वन एट फोर डिवाइड 1.3733, यहां पे 0.4503। हम पाउंड पर डच मार्क्स इज 0.4503 लिख सकते हैं। यहां पे ये क्या हो गया, पाउंड इज अ डायरेक्ट कोट हियर, जिसको डायरेक्ट बनाना है वो नंबर ऑफ यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग पाउंड एज डायरेक्ट कोट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन, एन के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट बनानी है, प्लीज समझने की कोशिश करेंगे आप, पाउंड को डायरेक्ट बनाना है एन के रेस्पेक्ट में। हमें पाउंड और एन का रिलेशन लिखने है, जिसमें एन को नंबर ऑफ यूनिट में लिखना है,
हमें पाउंड और एन के बीच की रिलेशन लिखनी है जिसमें एन को नंबर ऑफ इनमें लिखना है, ऐसा मतलब है। तो सर हम क्या लिख सकते हैं, एन का पाउंड का रिलेशन कहां से आएगा, एन का पाउंड का रिलेशन फर्स्ट से और थर्ड से, फर्स्ट से और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लिख सकते हैं एन 105 इक्वल टू पाउंड 0.6184, पाउंड 0.6184। हमारे पास अब देखिए जिस करेंसी को हमें डायरेक्ट बनानी है, जिस करेंसी को हमें डायरेक्ट बनानी है वो करेंसी नंबर ऑफ इंच होना चाहिए। तो इसकी काउंटर करेंसी जो है, उसकी काउंटर करेंसी जो है वो किस में होना चाहिए, सिंगल इंट में होना चाहिए। तो ये वाला करेंसी सिंगल में होना चाहिए। अब बताइए ये सिंगल में कैसे आएगा, यह सिंगल में कैसे आएगा, अगर डिवाइडेड बाई 105 से करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 105 इन बोथ साइड्स, 105 डिवाइडेड बाई 105, 0.6184 105, 1 इक्वल टू n, हम क्या लिख सकते हैं 0.6184 डिवाइड 105, 0.0059 पाउंड पर n इज 0.0059, दिस इज योर पाउंड पर एन, पाउंड पर एन 0.0059 आ गया। तो यह आपका क्या हो गया, कोटेशन हो गया। तो यहां पे हमने किसको डायरेक्ट कोट बनाया, तो हमने पाउंड को डायरेक्ट कोट बनाया। इसी तरह डच मास को आपको डायरेक्ट बनानी है डॉलर के रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में, पाउंड के रेस्पेक्ट में। एन को डायरेक्ट बनानी है डॉलर के रेस्पेक्ट में, पाउंड के रेस्पेक्ट में, डच मास के रेस्पेक्ट में। किसी एक करेंसी को डायरेक्ट बनाइए बाकी सारी करेंसी के रेस्पेक्ट में, किसी एक करेंसी को डायरेक्ट बनाइए बाकी सारी करेंसी के रेस्पेक्ट। क्लियर है, तो ये कर सकते हैं आप, बाकी तो आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप बाकी को कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में है, वन का बी पार्ट, प्लीज पढ़िए वन का बी पार्ट, वन का बी पार्ट, बी पार्ट ऑफ वन। बी पार्ट ऑफ वन यहां पे है, अ बॉम्बे बैंकर हैज गिवन द फॉलोइंग कोड्स, आइडेंटिफाई वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फॉर ईच डायरेक्ट कोड गिव द कोरस्पॉन्डिंग इनडायरेक्ट कोड्स एंड वाइस वर्सा। आपको आइडेंटिफाई करनी है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट बनाओ। पहला कोटेशन, रुपी पर क्रोनर, तो सर रुपी को पहले बोलते हैं तो डायरेक्ट हो गया। सेकंड, यूरो पर रुपी बाद में बोलते हैं तो इनडायरेक्ट हो गया। सिंगापुर डॉलर पर रुपी बाद में बोलते हैं तो इनडायरेक्ट हो गया। रुपी पर यूएई दिरान ये डायरेक्ट हो गया। जब अपनी करेंसी का नाम डायरेक्ट लेते हैं तो उसको डायरेक्ट कोट कहा जाता है, जब अपनी करेंसी का नाम इनडायरेक्ट रूप से बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है। क्लियर है, जैसे पहले में, पहले केसेस में, सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, रुपी पर क्रोनर, रुपी पर क्रोनर
ईच, बीच में ईच होता है 5.75. इट इज डायरेक्ट. हम क्या लिख सकते हैं, करोड़ वन इक्वल टू रूपी 5.70 लिख सकते हैं. अगर ये डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट बनाओ, अगर ये डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट बनाओ. तो हम कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 5.70 क्रोनर 1, 5.70 रूपी, 5.70, 5.70 क्रोनर, 5.70 से डिवाइड कर दो आप, जीरो पॉइंट 1754 रुपी 1 लिखा गया यहां पे. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे हम लिख देते हैं, क्रोनर पर रुपी इज 0.1754. इट इज योर इनडायरेक्ट कोड, यह आपकी इनडायरेक्ट कोड हो गया. 2B का सेकेंड पार्ट कैसे होगा, यूरो पर रुपी इज 0.0191. तो रुपी को बाद में बोला गया था, इट इज अ इनडायरेक्ट कोड. ये कौन सी कोड होगा सर, इनडायरेक्ट कोड कन्वर्टिंग इट डायरेक्ट. डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, यूरो वन इक्वल टू रूपी 0.0191. डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब वन इक्वल टू यूरो 0.0191. सर इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, तो रुपी को नंबर ऑफ यूनिट में आना चाहिए, रुपी ऊपर होना चाहिए नंबर ऑफ यूनिट में, और ये वाला करेंसी जो यूरो है वो सिंगल यूनिट में होना चाहिए. यूरो को क्या होना चाहिए, सिंगल यूनिट में होना चाहिए. तो यूरो को सिंगल यूनिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा सेम नंबर से. तो दोनों साइड में आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.0191. यहां पे हो जाएगा रुपीज 52.3560 यूरो वन, रुपी पर यूरो इज 52.3560. इस कोटेशन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे. तो ये आपका इनडायरेक्ट था, तो ये डायरेक्ट कोट हो गया. तो इज अ सिंपलेस्ट कंसेप्ट वी हैव कंप्लीटेड, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट, बहुत ही इजी कंसेप्ट है जो हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही डायनेमिक कंसेप्ट है. अगले दो ढाई क्लास हम इसको बार बार हम डिस्कस करेंगे. दैट इज द कोटेशन ऑफ बैंक. हम कोई भी फॉरेन करेंसी को डील करते हैं, तो हमारे पास
बैंक के पास जाना पड़ता है, बैंक से करेंसी को बाई करना पड़ता है, बैंक से करेंसी को क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो बाई और सेल करने की जो प्रोसीजर्स होता है उसको कोटेशन ऑफ बैंक यूज करते हैं। तो कोटेशन ऑफ बैंक में कब कौन सी रेट लगेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप कोटेशन ऑफ बैंक जान गए तो 80% फॉरेक्स आपका कंप्लीट हो गया, 80%। बहुत सारे बच्चों को कोटेशन ऑफ बैंक समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बिड रेट कब लगाएंगे, आस्क रेट कब लगाएंगे, सेम करेंसी के लिए कभी और रेट लगा लेते हैं जब कभी और रेट हो जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा आज, और नेक्स्ट क्लास में भी उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं कंसेप्ट समझूंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोटेशन ऑफ बैंक। हम यहां पे स्टार्ट करते हैं कोटेशन ऑफ बैंक। कोटेशन ऑफ बैंक, कोटेशन ऑफ बैंक देखिए, कोटेशन ऑफ बैंक के पहले मैं एक आपको डिस्कस करता हूं, जनरली होलसेल मार्केट का डिस्कस करता हूं। होलसेल मार्केट में अगर कोई होलसेलर बैठा हुआ है और उस होलसेलर के बाद कोई गुड्स को सप्लाई करता है और उस गुड्स को क्या करता है, परचेज कर लेता है, और उसी होलसेलर के पास कोई गुड्स बाई करने आता है तो वो क्या करता है, वो आपको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो इस टाइप के चीज को क्या कहते हैं, टू वे कोटेशन कहा जाता है, जो खरीदने का भी काम करता है और बेचने का भी काम करता है। जैसे ज्वेलरी शॉप। दूसरा होता है आजादपुर मंडी में सब्जी मार्केट में क्या होता है, जैसे पोटैटो का होलसेलर है, पोटैटो का होलसेलर क्या होता है, आजादपुर मंडी में वो क्या करता है, खरीदता है और फिर क्या करता है, वो बेचता है। ज्वेलरी में हम गोल्ड लेकर जाते हैं तो वो हमसे खरीद लेता है और फिर दूसरा कोई परचेज करने जाता है उससे बेच भी देता है। तो दिस इज कॉल्ड टू वे कोटेशन, दो, खरीदने का भी काम करता है बेचने का भी काम करता है। अब देखिए, एक होता है वन वे कोटेशन, जो सिर्फ खरीदने का काम करता है, बेचने का काम नहीं करता। जैसे रेस्टोरेंट हमें, हम जाते हैं खाना खाते हैं, उसमें बेचने का काम करता है, मैंने कोई एक करता है, या तो खरीदने का काम करेगा या तो बेचने का काम करेगा। रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं वो सिर्फ बेचने का काम करता है। अगर हम घर से खाना बना कर ले जाएं और रेस्टोरेंट में कहेंगे तुम खरीद लो, तो कहेगा नहीं जी हम नहीं ये काम करते हैं, हम सिर्फ खाना बेचते हैं। तो दैट इज सेड टू बी द वन वे कोटेशन। तो जहां पे सिर्फ बाई का काम होता है या सेल का काम होता हो उसको क्या कहते हैं, वन वे कोटेशन। जहां पे सेल और बाई दोनों का काम होता हो उनको क्या कहते हैं, टू वे कोटेशन कहा जाता है। जैसे देखिए, एक सच्ची मेरे भाई साहब हैं, वो एक बिजनेस करते हैं, आजादपुर मंडी जो है दिल्ली का, उसमें वो पोटैटो का होलसेलर है। तो उसमें उन्होंने क्या करते हैं कि सुबह 2 बजे उठते हैं वो, और 2 बजे उठ के नहा धोवा के पूजा पाठ करते हैं, अब पूजा पाठ करके वो गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं आजादपुर मंडी में, और आजादपुर मंडी में वो 3 बजे सुबह पहुंच जाते हैं। वहां पे उनकी पोटैटो का होलसेलर है, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सेलर लिए हैं, गोदाम लिए हुए हैं, दुकान लिए हुए हैं, शॉप लिए हुए हैं, उसमें उनके कुछ इंप्लॉइज हैं। वो क्या करता है, सुबह शटर खोलता है लोग, और सुबह शटर खोल के सब साफ सफाई करके बैठ जाते हैं। 3:30 बजे सुबह 3:30 बजे बाहर से ट्रक आता है, हरियाणा से आता है, पंजाब से आता है, यूपी से आता है, एमपी से आता है, डिफरेंट प्लेसेस में से ट्रक आता है वहां पे, और वो क्या, पोटैटो लेकर आते हैं, पोटैटो लेकर वो लोग आते हैं।
पर डे। अब उनसे क्या, मेरे भाई साहब क्या करते हैं, पोटैटो परचेज कर लेते हैं, पोटैटो परचेज करके ऊपरी गोदाम लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद सुबह जब होता है, सुबह होता है तो दिल्ली के डिफरेंट 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 प्लेसेज में से वहां पे क्या करता है, वो लोग पोटैटो खरीदने जाते हैं, पंजाबी बाग, गुलाबी बाग, शालीमार बाग, करोल बाग, प्रसाद नगर, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, ये सबसे वहां पे रिटेलर, छोटे छोटे रिटेलर क्या करते हैं, परचेज करने जाते हैं पोटैटो। तो उन वो क्या करते हैं, वो वहां पे पोटैटो को बेच देते हैं, पोटैटो को बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, एक से परचेज करते हैं, सेम से बेचते हैं। तो परचेज करते होंगे तो लो रेट से परचेज करते होंगे, और सेल करते होंगे तो हाई रेट से सेल करते होंगे। सिंपल सी बात है, तभी तो उनको प्रॉफिट होता होगा, बीच की जो डिफरेंस होगा उनकी प्रॉफिट हो जाती होगी। जैसे अमूल मिल्क, देखिए अमूल मिल्क, डेयरी मिल्क, अमूल मिल्क क्या होता है, सुबह आपको 4:30 बजे करीब में सारी शॉप में अमूल मिल्क सप्लाई हो जाता है। आज जितने छोटे छोटे रिटेल दुकान शॉप्स है वो सारे अमूल मिल्क को परचेज कर लेता है, और थोड़ी देर के बाद लोग चाय बनाने के लिए या दूध के यूज के लिए उस शॉप से क्या करते हैं, दूध खरीद लेता है, खरीदने जाता है। तो क्या करता है, अमूल मिल्क को खरीदता है, अमूल मिल्क को खरीदता है, और फिर अमूल मिल्क को बेचता है। तो खरीदता होगा तो थोड़ा सा कम रेट में खरीदता होगा, अमूल मिल्क को बेचता होगा तो क्या करता होगा, ज्यादा रेट में बेचता होगा, यही तो काम होता होगा ना। एग्जैक्टली यही काम बैंक भी करता है, एग्जैक्टली यही काम बैंक भी करता है। तो कोटेशन बैंक दो टाइप का कोटेशन होता है, वन वे कोटेशन तो बहुत ही सिंपल है कि एक रेट दिया जाता है उसमें बाई या सेल का काम किया जाता है, दैट इज द डिफरेंस। टू वे कोटेशन को समझना है, मैं अमूल मिल्क का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक शॉप, एक पर्सन है, एक आपकी होलसेलर है, होलसेल, इस होलसेलर के बाद एक सप्लायर आता है, दो कस्टमर आता है, कस्टमर, अब आप समझने की कोशिश करना बेटा, कस्टमर, दो कस्टमर आता है इस होलसेलर के बाद, अमूल मिल्क का, अमूल मिल्क का एक कस्टमर, अमूल मिल्क के सप्लायर को भी हम कस्टमर ही मान रहे हैं, अमूल मिल्क के सप्लायर को भी हम कस्टमर ही मान रहे हैं। अब देखिए ये कस्टमर आया, ये कस्टमर आया, इसको क्या किया, ये या होलसेलर मानो जो, या पोटैटो का होलसेलर मानो, पोटैटो का ये आजादपुर मंडी में पोटैटो सप्लाई करता है, पहला कस्टमर। तो यहां पे पोटैटो आएगा, यहां पे पोटैटो आएगा, पोटैटो, इस पोटैटो के बदले में ये इनको क्या देगा, रुपीज देगा, इस पोटैटो के बदले में ये इनको रुपीज देगा। उसके बाद सुबह जो होता है, सुबह 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 क्या होगा कि अलग अलग जगह से रिटेलर छोटे छोटे जाएंगे। ये सुबह 3 बजे बाहर से, चंडीनगर से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, पंजाब से, एमपी से, सब जगह से पोटैटो सप्लाई हुआ यहां पे, और ये इनको क्या दिया, रुपीज दिया। अब नेक्स्ट में आप देखिएगा प्लीज, बाद में कोई कस्टमर इनके पास पहुंचता है रुपया लेकर, रुपया लेकर, रुपया लेकर, और रुपया लेने के बाद ये इनको होलसेलर क्या करता है, इनको पोटैटो देता है, इनको पोटैटो देता है। तो इस होलसेलर के पास दो टाइप का कस्टमर पहुंचता है, एक तो पोटैटो बेचने के लिए पहुंचता है और एक पोटैटो खरीदने के लिए पहुंचता है। होलसेलर ने प्राइस जो कोट किया है, प्राइस जो कोट किया है, 1 kg पोटैटो इन्होंने कोट, 1 kg पोटैटो उन्होंने कोट किया है रुपीज टेन और रुपीज ट्वेल्व पोटैटो कोट किया है, 1 kg पोटैटो इक्वल टू ₹10 और ₹12 कोट किया हुआ है। और ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो 2 रुपया का है, 2 रुपया उसको बेनिफिट होगा। अब बताइए ₹10 कब यूज करता होगा और ₹12 किससे यूज करता होगा? ऑफ कोर्स जब खरीदेगा तो कम की रेट से खरीदेगा, और जब बेचेगा तो ज्यादा की रेट से बेचेगा। तो जनरली होलसेलर का वही तो डिफरेंस है, वही तो फायदा है, जो खरीदेगा तो कम की रेट से, बेचेगा तो ज्यादा की रेट से, वही तो फायदा है। तो खरीदेगा तो कम की रेट से,
तो ये कौन सा रेट होगा? बाइंग रेट होगा, ये उनके पास बाइंग रेट होगा, ये उनके पास बाइंग रेट होगा, और ये क्या होगा उनके पास? सेलिंग रेट होगा। ऑफ कोर्स ये वाली बात, तभी तो होलसेलर का फायदा होगा, अपनी इंप्लाई को, अपनी सैलरीज, बाकी को कॉस्ट को बियर करेगा। अब पर केजी 2 रुपए का फायदा होगा। तो सिंपल सी लॉजिक है, जब होलसेलर के पास कमोडिटी आएगा, जब होलसेलर के पास कमोडिटी आएगा तो कमोडिटी को क्या करेगा? बाई करेगा। अब बाई करेगा तो पैसा देगा, पैसा देगा, रुपीज में देगा, तो कम रेट से देगा ना, कम रेट से देगा। तो पहले केसेस में क्या था, पहला कस्टमर जो सप्लाई कर रहा है होलसेलर के पास, सप्लाई कर रहा है होलसेलर के पास, तो उसको होलसेलर पैसा देगा, तो पैसा देगा तो कितने के रेट से देगा? 10 रुपए के रेट से देगा। सिंपल सी बात है, 10 रुपए के, तो एक लेमैन भी समझ सकता है 10 रुपए के रेट से देगा। जब हम खरीदेंगे 10 रुपए, जब आप छोटे छोटे रिटेलर कस्टमर पैसा लेकर जाएगा उससे पोटैटो खरीदने के लिए, उसको वो क्या करेगा? बेचेगा। तो बेचेगा तो कौन सी रेट से बेचेगा? 12 रुपए के रेट से बेचेगा। तो बेचेगा, तो बेचेगा तो कौन सी रेट से बेचेगा? 12 रुपए के रेट से बेचेगा। तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी गुड्स को खरीदता भी है, बेचता भी है, उसको होलसेलर कहते हैं। और जब वो खरीदेगा तो इसका मतलब गुड्स उसके पास आएगा, गुड्स आएगा तो बाई करेगा, बाई करेगा तो लो रेट से बाई करेगा और गुड्स लेगा। और जब वही गुड्स को जब वो सेल करेगा तो गुड्स उसके पास से जाएगा, और गुड्स से जाएगा तो उसे क्या करेगा? हाई रेट से सेल करेगा। और बीच की जो डिफरेंस होगा, बीच की जो डिफरेंस होगा वो उनकी प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना हो गया? ₹2 पर केजी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अमूल मिल्क के केस में भी वही होता होगा। छोटे छोटे अपने घर पे हम लोग जनरली ये देखते हैं, अमूल मिल्क, अमूल मिल्क बाहर से सप्लाई किया जाता है अमूल मिल्क फैक्ट्री के द्वारा, तो रिटेलर छोटे छोटे परचेज करके रखे रहते हैं, हम सुबह जाकर मिल्क खरीद कर आते हैं, तो उनको बीच में जो कुछ डिफरेंस होता होगा तभी तो वो बेचते होंगे। तो वो जो रिटेलर छोटे छोटे हैं वो परचेज करते होंगे अमूल मिल्क वहां से, अब फिर क्या करते हैं वो हमें देते हैं, बेचते हैं हाई, थोड़ा ज्यादा रेट से बेचते होंगे। एग्जैक्टली यही होता है हर एक जगह बिजनेस में, एग्जैक्टली यही प्रोसीजर्स आपको बैंक भी करता है टू वे कोटेशन में। टू वे कोटेशन में बैंक क्या करता है? टू वे कोटेशन में आपको टू वे कोटेशन, यहां पे टू वे कोटेशन, बैंक कैसे टू वे कोटेशन कोट किया रहता है, आप प्लीज कंसंट्रेट करो, बैंक कैसे टू वे कोटेशन को कोट किया रहता है? टू वे कोटेशन को ऐसे कोट करता है, $1 = ₹40.50, ₹40.60, ऐसे डॉलर को बैंक कोट करता है, ₹40.50, ₹40.60। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी आपको इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, बैंक को हम क्या कहते हैं? होलसेलर ऑफ पोटैटो कहा जाता है, होलसेलर ऑफ डॉलर कहा जाता है करेंसी। यहां पे बैंक भी एग्जैक्टली ऐसे ही, जैसे हमने 1 kg पोटैटो लिखा है बैंक ने ऐसे ही कोट करता है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लोग बैंक में जाता है, तो जब बाइंग रेट एक होलसेल लिखता है ये लिखता है बिड रेट, ये क्या लिखता है? बिड रेट। और ये क्या लिखता है? आस्क रेट लिखता है। आपको सर कंपेयर करना है, जस्ट इनसे कंपेयर करना है, जस्ट इनसे कंपेयर करना है, जस्ट ऐसे। यहां पे बैंक रखिए, बैंक, ये बैंक इज अ होलसेलर, बैंक को होलसेलर मानिए, यहां पे भी 2 कस्टमर मानिए, यहां पे भी 2 कस्टमर मानिए। सर आप एकदम अच्छे से समझिएगा, ये तो जनरल पर डे देख रहे हैं ना सर, मिल के केस में या पोटेटो केस में जनरल पर डे देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली इसी से कंपेयर करना है, एग्जैक्टली इसी से कंपेयर करना है। सुनिएगा सर, सुनिए प्लीज, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 2 टाइप की कस्टमर बैंक में जाता है, 2 टाइप की कस्टमर बैंक में जाता है। एक तो कस्टमर जाता है
डॉलर लेकर जाता है कि सर ये डॉलर आप ले लीजिए, इस डॉलर के बदले में मुझे रुपया दे दीजिए। एक तो कस्टमर जाता है कि ये डॉलर आप मुझसे ले लीजिए, इस डॉलर के बदले में आप मुझे क्या दे दीजिए, रुपया दे दीजिए। और एक कस्टमर क्या कहता है कि सर ये रुपया मुझसे ले लीजिए, अब उस रुपये के बदले में आप मुझे क्या दे दीजिए, डॉलर दे दीजिए। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर अप्रोच टू द बैंक फॉर बाइंग द फॉरेन करेंसीज और सेलिंग द फॉरेन करेंसी। वन कस्टमर अप्रोच टू द बैंक फॉर बाइंग द फॉरेन करेंसी एंड अदर कस्टमर विल अप्रोच टू द सेल द फॉरेन करेंसी, सेल द फॉरेन करेंसी। अब आप लॉजिकली सोचो, ये कस्टमर इनके पास गया डॉलर लेकर, और ये कस्टमर, ये बैंक इनको क्या देगा, डॉलर के बदले में रुपया देगा, और ये कस्टमर इनको क्या किया, रुपया लेकर गया, इनको ये क्या दे दिया, डॉलर दे दिया। अब देखिए यहां पे कंपेयर कीजिए, यहां लिखा रहता था 1 kg potato, लिखा था 1 kg potato, ₹10, ₹12 लिखा हुआ है, ₹10, ₹12, और वहां $1 लिखा हुआ है, ₹40.50, ₹40.60 लिखा हुआ है, ₹40.50, ₹40.60। तो यहां पे सबसे पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा, कि हमेशा जो कोट यूज करते हैं, होलसेलर और कमोडिटी करेंसी के, कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को कोट करते हैं। तो इसकी एक एक मैं आपको रूल वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एप्रोप्रिएट कोटेशन, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एप्रोप्रिएट कोटेशन, को बारे में जानने की क्या तरीका है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, थिंग्स ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमोडिटी करेंसी एंड बैंक। हमेशा हम कमोडिटी करेंसी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो सुनिए, यहां पे 1 kg potato लिखा हुआ है, तो यहां पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पोटैटो है, पोटैटो खाने वाली चीज है, ये कमोडिटी है। और रुपया होगा तो क्या होगा, प्राइस होगा, रुपया यहां पे तो प्राइस होगा ना सर, क्योंकि रुपया से हम गुड्स को खरीदते हैं। लेकिन यहां पे यह आइडेंटिफाई करना थोड़ी सी क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहां पे डॉलर भी पैसा है, रुपया भी पैसा है, दोनों पैसा है, तो उस पैसे में बैंक ने कौन सी पैसे की प्राइस को बताया है। यहां पे डॉलर भी पैसा है, रुपया भी पैसा है, दोनों पैसा है, तो दोनों पैसे में बैंक ने कौन सी पैसे का प्राइस कोट किया हुआ है, बैंक ने वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो बैंक ने यहां पे, प्लीज आप बात को समझिए, जैसे जो कमोडिटी होता था उनको 1 kg potato, 1 kg milk ऐसे लिखा जाता था कि नहीं, तो एक बात माइंड में हमेशा सेट करेंगे, ये दो पैसे में, दो करेंसीज में जो करेंसी सिंगल यूनिट में लिखा जाता हो, उसको कमोडिटी मानेंगे,
जो पैसा जो करेंसी सिंगल यूनिट में लिखा जाता हो उसको कमोडिटी करेंसी मानेंगे, और जो करेंसी नंबर ऑफ यूनिट में लिखा जाता हो उसको प्राइस मानेंगे। जैसे यहां पे 1 kg पोटैटो, इसके ये कमोडिटी है, ये प्राइस है। 1 डॉलर ये कमोडिटी है, ये वाला उसकी प्राइस है। जो करेंसी सिंगल यूनिट में लिखा जाता हो उस करेंसी को कमोडिटी मानेंगे, उस करेंसी को कमोडिटी मानेंगे, और काउंटर करेंसी को क्या मानते हैं हम? काउंटर करेंसी को प्राइस मानते हैं। जो सिंगल में लिखा जाता है उसको कमोडिटी, काउंटर करेंसी को प्राइस। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा हम कमोडिटी करेंसी और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्योंकि बैंक इज जो होलसेलर ऑफ द करेंसी, बिकॉज बैंक इज जो होलसेलर ऑफ द करेंसी। यहां पे हम क्या लिखेंगे? द करेंसी विच इज रिटेन इन सिंगल यूनिट इज सेड टू बी कमोडिटी करेंसी। कमोडिटी करेंसी जस्ट लाइक पोटैटो, जस्ट लाइक पोटैटो। जो करेंसी सिंगल यूनिट में लिखा जाता है उसको कमोडिटी करेंसी कहते हैं, जिसे जस्ट लाइक पोटैटो, उसको जस्ट लाइक अ पोटैटो। द करेंसी व्हिच इज रिटेन इन सिंगल यूनिट इज सेड टू बी कमोडिटी करेंसी जस्ट लाइक अ पोटैटो। ठीक है ना सर? अब देखिए, अब जस्ट आपको समझ नहीं, तो ये तो हम समझ गए कि यहां पे जो कोटेशन लिखी गई है टू वे कोटेशन, वो डॉलर का कोटेशन लिखा गया। तो डॉलर का कोटेशन क्यों लिखा गया, कैसे पता चला कि डॉलर का कोटेशन लिखा गया? क्योंकि डॉलर सिंगल यूनिट में है। यहां पे रुपीज सिंगल यूनिट में होता तो रुपीज कमोडिटी होता। तो मैंने क्या लिखा? थिंग्स ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमोडिटी करेंसी एंड बैंक, क्योंकि बैंक इज अ होलसेलर और कमोडिटी यहां पे क्या है? डॉलर है। अब सुनिए, जैसे होलसेलर के पास पोटैटो आता है तो होलसेलर पोटैटो को क्या करता है? बेचता है, सॉरी खरीदता है। खरीदता है तो लो रेट से खरीदेगा, लो रेट से खरीदेगा, दैट इज द बिड रेट। अब सुनिए, हम ये समझेंगे कि बैंक एक होलसेलर है, हम ऐसे समझेंगे बैंक एक होलसेलर है जो बेचने का काम करता है, खरीदने का काम करता है। क्या चीज बेचने का काम करता है, क्या चीज खरीदने का काम करता है? तो बैंक डॉलर को बेचने का काम करता है, डॉलर को खरीदने का काम करता है। तो डॉलर हम लेकर जाएंगे बैंक में तो बैंक डॉलर को खरीद लेगा, बैंक डॉलर को खरीद लेगा। और डॉलर खरीदने जाएंगे बैंक में रुपया लेकर तो बैंक डॉलर को बेच देगा। बैंक में डॉलर लेकर जाएंगे तो बैंक डॉलर खरीद लेगा, और रुपया लेकर जाएंगे डॉलर खरीदने के लिए तो बैंक डॉलर को क्या करेगा? बेच देगा। इतना तक समझ आ गया? अब देखिए, जब हम डॉलर लेकर जाएंगे तो बैंक खरीदेगा, और खरीदेगा तो लो रेट से खरीदेगा कि हाई रेट से खरीदेगा? ऑफ कोर्स बैंक खरीदेगा तो लो रेट से खरीदेगा। जैसे इस होलसेलर के पास पोटैटो लेकर गया तो पोटैटो खरीदा, खरीदा तो लो रेट से खरीदेगा कि ज्यादा के रेट से खरीदेगा? ऑफ कोर्स लो रेट से खरीदेगा। और जब पैसा लेकर गए हम खरीदने के लिए, जब पैसा लेकर गए, यहां पे ये फिगर गलत है, हाँ, ये पैसा लेकर गए पोटैटो खरीदने के लिए, तो पोटैटो दिया तो हाई रेट से दिया, तो ऑफ कोर्स यहां पे नहीं करेक्ट है। यहां पे उसी तरह यहां पे जब डॉलर बैंक के पास आएगा, कमोडिटी आएगा तो बाई करेगा, तो बाई करेगा तो कौन सी रेट से बाई करेगा? यहां पे 40.60 यूज करेगा। यहां पे बाई करेगा तो बाई करेगा तो 40.60 यूज करेगा, 40.50, सॉरी 40.50। और यहां पे जब रुपया देगा, रुपया देगा, डॉलर लेगा, तो यहां पे क्या होगा? तीसरा वर्किंग नोट, इफ कमोडिटी करेंसी
यहां पे डॉलर इज कमिंग टू बैंक, कमिंग टू बैंक, अगर बैंक के पास आ रहा है इट मींस बैंक इज गोइंग टू बाय द कमोडिटी, गोइंग टू बाय द कमोडिटी, हैंस लो रेट दैट इज बिड रेट इज अप्लाइड, बिड रेट इज अप्लाइड। हम बैंक के पास जाएंगे डॉलर लेकर, तो डॉलर बैंक बाई करेगा, अब बाई करेगा तो डॉलर के, डॉलर बैंक के पास जाएगा और वो मुझे रुपया देगा, बाई करेगा तो लो रेट अप्लाई करेगा, लो रेट अप्लाई करेगा, तो ठीक है ना सर। हम रुपया लेकर जाएंगे तो बाई करेगा, बाई करेगा तो लो रेट अप्लाई करेगा। हम थोड़ा सा इसको बोल्ड करके लिखते हैं, रूपी 40.50, क्लियर है ना सर। अब देखिए, तो इट इज अ प्राइस ऑफ डॉलर, डॉलर की प्राइस लिखी गई है और डॉलर बैंक के पास आएगा, बैंक के पास जाएगा, ऐसे मैंने किया, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूं, अगर हम ये बैंक ने डॉलर की प्राइस कोट किया हुआ, इतना तक क्लियर है। हम रुपया लेकर गए, रुपया लेकर गए डॉलर खरीदने के लिए, तो बैंक डॉलर बेचेगा, बेचेगा तो हाई रेट से बेचेगा कि लो रेट से बेचेगा? ऑफ कोर्स बैंक डॉलर बेचेगा तो कौन से रेट से बेचेगा? ऑफ कोर्स डॉलर बैंक बेचेगा तो कौन से रेट से बेचेगा? वो हाई रेट से बेचेगा, हाई रेट से बेचेगा, ठीक है ना। तो हाई रेट क्या होगा, हम बैंक हमें डॉलर देगा, बैंक हमें डॉलर देगा तो डॉलर देगा तो हाई रेट से देगा, हाई रेट से देगा तो क्या होगा, यहां पे रूपी 40.60। तो 40.60, 40.50 इस दोनों के बीच की डिफरेंस बैंक को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो यहां पे नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जिसमें इफ कमोडिटी करेंसी इज गोइंग फ्रॉम बैंक, कमोडिटी अगर बैंक से जाएगा तो इसमें बैंक इज गोइंग टू सेल द कमोडिटी और सेल करेगा तो हाई रेट से सेल करेगा। इफ कमोडिटी करेंसी इज गोइंग फ्रॉम बैंक, इट मींस बैंक इज गोइंग टू बाय द कमोडिटी, बैंक इज गोइंग टू सेल द कमोडिटी, गोइंग फ्रॉम बैंक इट मींस बैंक इज गोइंग टू सेल द कमोडिटी करेंसी, हैंस हाई रेट That is ask rate is applied. Ask rate is applied. यहां पे ask rate apply करेंगे, यहां पे हम ask rate apply करेंगे, तो यहां पे 40.60 apply करेंगे, 40.60। अब आपको देखिए, समझ आ गया, एक दूसरी example मैं देता हूं। यहां पर यहां पे आपकी एक कोटेशन लिखी गई है, रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.023, डॉलर 0.025, ये कोटेशन है। रुपी 1 इक्वल टू डॉलर इतना इतना, ऐसी कोटेशन है। यहां पे एक बैंक आ जाता है, एक बैंक हो गया जो होलसेलर है, यहां पे एक कस्टमर हो गया,
यहां पे कस्टमर हो गया, यहां पे मैं कौन सी रेट अप्लाई किया था सर, यहां पे मैंने बीड वाला बोला था, ये कौन सा रेट बोला था सर, मैंने आस्क रेट बोला था। एग्जैक्टली आप ऐसे ही देखिए, ये कस्टमर यहां पे डॉलर लेकर गया, ये बैंक इनको रुपीज देगा, ये कस्टमर इनके पास रुपी लेकर गया, ये इनके पास डॉलर दिया, ऐसे प्लीज समझने की कोशिश करेगा। प्लीज आप समझने की कोशिश करो, यहां पे कॉमोडिटी करें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, थिंक्स ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक एंड कॉमोडिटी करेंसी। कॉमोडिटी करेंसी की द करेंसी व्हिच इज रिटेन इन सिंगल यूनिट सेड टू बी द कॉमोडिटी करेंसी, जो सिंगल यूनिट में लिखा जाता है उसको कॉमोडिटी करेंसी कहा जाता है, और सेड टू बी कॉमोडिटी करेंसी जस्ट लाइक अ पोटैटो, और काउंटर करेंसी को क्या, अदर करेंसी इज द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, अदर करेंसी इज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी करेंसी, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी करेंसी। अब सुनिए, यहां पे सबसे पहले ये आपको डिटरमाइन करना पड़ा कॉमोडिटी करेंसी कौन सी है। तो जो सिंगल में लिखा जाता है वो कॉमोडिटी करेंसी होता है, तो यहां पे रुपीज इज अ सिंगल, रुपीज सिंगल में लिखा गया है, तो इसलिए रुपीज को हम कॉमोडिटी करेंसी कहेंगे, रुपीज इज अ रिटेन इन सिंगल यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज अ सेड टू बी द कॉमोडिटी करेंसी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉमोडिटी करेंसी कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद इफ कॉमोडिटी करेंसी डॉलर इज कमिंग टू बैंक, इट मीन्स बैंक इज गोइंग टू बाय द कॉमोडिटी, तो यहां पे कॉमोडिटी करेंसी तो रुपीज है, तो रुपीज अगर बैंक के पास आ रहा है तो यहां पे एक रुपीज, या रुपीज अ कमोडिटी बिकॉज इट इज अ रिटेन इन अ सिंगल यूनिट, तो यहां पे रुपीज बैंक के पास आ रहा है, तो डॉलर क्या करेगा, रुपीज बाई करेगा, अब बाई करेगा तो लो रेट्स लगाएगा, तो लो रेट यहां पे क्या होगा डॉलर का, 0.023 होगा, 0.023 होगा। यहां पे कौन सी रेट लगेगा, यहां पे कौन सी रेट लगेगा, दिस इज द बीड रेट, दिस इज द बीड रेट, ये बीड रेट हो गया। बीड रेट हो गया। अब फिर देखिए, अगर कोई कस्टमर डॉलर लेकर बैंक में गया, अगर कोई कस्टमर डॉलर लेकर बैंक में गया तो बैंक उनको क्या देगा, रुपया देगा, बैंक उनको क्या देगा, रुपया देगा। तो हियर रुपीज अ कमोडिटी करेंसी, रुपीज इज गोइंग फ्रॉम बैंक, तो गोइंग फ्रॉम बैंक तो इसका मतलब बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, तो कौन सा रेट लगेगा, यहां पे आस्क रेट लगेगा, $0.025, ये कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा, यहां पे आस्क रेट लगेगा। तो हियर यू विल अप्लाई आस्क रेट। अब देखिए, कंपेयर कीजिए इसमें, जब यहां पे बैंक के पास डॉलर आता था, तो बिड रेट, क्योंकि यहां पे जो कोटेशन यूज किया गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी कमोडिटी करेंसी, डॉलर है, यहां पे कमोडिटी करेंसी डॉलर है, तो यहां पे कमोडिटी करेंसी डॉलर की पॉइंट ऑफ व्यू से लगा, लेकिन यहां पे कमोडिटी करेंसी रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा, यहां पे कमोडिटी करेंसी कौन सी है, रुपीज, तो रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रुपीज इज अ कमोडिटी, डॉलर इज अ प्राइस, तो कमोडिटी बैंक के पास आएगा तो बैंक बाई करेगा तो बिड रेट, कमोडिटी बैंक के पास से जाएगा बैंक सेल करेगा तो आस्क रेट,
तो हियर रुपीज इज अ कमोडिटी बिकॉज इट इज रिटेन इन अ सिंगल यूनिट, बिकॉज इट इज रिटेन इन अ सिंगल यूनिट। लेकिन यहां पे कमोडिटी करेंसी कौन सी है, यहां पे कमोडिटी करेंसी डॉलर है, यहां पे कमोडिटी करेंसी कौन सी है, डॉलर है, बिकॉज इट इज रिटेन इन अ सिंगल यूनिट, क्योंकि ये सिंगल यूनिट में लिखा गया है। तो ये दो बात तो आपके माइंड में हमेशा आपको प्रश्न मात्र में होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको ये वाला एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल एक एग्जांपल के बेस पे समझाते हैं। अब सुनिए एग्जांपल के बेस पे, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश की। एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए एंड रिसीव डॉलर वन लाख। फाइंड इक्विवेलेंट रूपी इफ एक्सचेंज रेट रूपी वन इक्वल टू डॉलर 0.023 डॉलर 0.025। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड में बता रहा हूं, फर्स्ट केस सेकंड केस। अब देखिए इंडियन कंपनी इंपोर्टेड गुड्स, imported goods from USA required to pay dollar one lakh, find equivalent rupee। तो यहां पे ये कंपनी ए मान लो, इंडियन कंपनी ए, इसका नाम ए रख दो, इंडिया नाम क्या रख दो, बी रख दो, इसका नाम कंपनी बी, इसका नाम कंपनी बी रख दो। ये कंपनी बी हो गया, ये कंपनी ये हो गया। अब बताइए कंपनी ए के लिए कौन सा रेट लगेगा, कंपनी बी के लिए कौन सा रेट लगेगा, कंपनी ए के लिए कौन सा रेट लगेगा, कंपनी बी के लिए कौन सा लगेगा। अब देखिए प्लीज देखिए, यहां पे बैंक होगा, यहां पे कंपनी ए होगा, यहां पे कंपनी बी होगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जस्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी ए को देखिए, इंडियन कंपनी, एंड इंडियन कंपनी ए एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए एंड रिसीव डॉलर वन लाख, फाइंड द इक्विवेलेंट रूपी, इक्विवेलेंट रूपी निकालनी है। तो एज पर द फेमा रूल कंपनी ए अपने घर पे को वन लाख डॉलर नहीं रख सकता, वन लाख डॉलर जब नहीं रखेगा तो वो पैसा किसको देगा, वो कंपनी ले जाकर बैंक को देगा। तो बैंक में कितना पैसा देगा, वो बैंक में कितना पैसा देगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बैंक में कितना पैसा देगा। तो कंपनी ये जो आएगा इनके पास क्या लेकर आएगा, डॉलर वन लाख लेकर आएगा, डॉलर वन लाख लेकर आएगा। और कंपनी बी जो है उनको क्या देगा, कंपनी बी जो होगा वो रुपीज देगा, कंपनी बी जो होगा वो रुपीज देगा, बैंक बैंक बी बैंक जो होगा वो क्या देगा, रुपीज देगा।
ऐसे ही फिगर बनेगा। अब देखिए ये जो कंपनी डॉलर देगा, डॉलर जितना भी होगा डॉलर देगा, ये कंपनी उनको रुपीस देगा, तो कमोडिटी करेंसी कौन सी है यहां पे? कमोडिटी करेंसी इन दिस केस रुपीज। रुपीज इज अ कमोडिटी करेंसी बिकॉज इट इज रिटेन अ सिंगल कोट, कमोडिटी करेंसी रुपीज है क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा गया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? कमोडिटी करेंसी रुपीज बिकॉज इट इज रिटेन अ सिंगल कोट, क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा गया। क्लियर है ना सर? अब आप देखिए, अब प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, कमोडिटी करेंसी रुपीज बिकॉज इट इज रिटेन अ सिंगल कोट। अब प्लीज कंसंट्रेट करो, प्लीज हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रुपीज इज अ रिटेन अ सिंगल कोट, रुपीज बैंक के पास से जा रहा है। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिए आप, डॉलर आ रहा है रुपीज जा रहा है, डॉलर आ रहा है रुपीज जा रहा है यहां पे। अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जब रुपीज जाएगा तो रुपीज अ कमोडिटी, कमोडिटी इज गोइंग फ्रॉम बैंक, रुपीज इज गोइंग फ्रॉम बैंक, तो कौन सी रेट लगेगा, कौन सी रेट लगेगा? यहां पे बैंक के पास से जब कमोडिटी जाएगा, बैंक के पास से कमोडिटी जाएगा, इफ कमोडिटी करेंसी इज गोइंग फ्रॉम बैंक इट मीन सेल करेगा, और सेल करेगा तो कौन सी रेट, हाई रेट लगाएगा, तो हाई रेट कौन सा होगा? यहां पे अप्लाई होगा 0.025, यहां पे आस्क रेट अप्लाई करेगा, आस्क रेट। तो फॉर कस्टमर ए के लिए क्या होगा, आस्क रेट डॉलर 0.025 इक्वल टू रूपी 1, डॉलर 1 लाख इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 0.025। हम यहां पे ऐसे करें तो ये आपका अप्रोक्स रुपीज 40 लाख हो जाएगा, ये 40 लाख हो जाएगा, समझ आ गया? तो ये कंपनी ए के लिए 40 लाख आ गया, कंपनी ये 40 लाख। अब आपको कंपनी बी के लिए सोचिए, कंपनी बी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी बी, इंडियन कंपनी बी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए रिक्वायर्ड टू पे $1 लाख, फाइंड द इक्विवेलेंट रुपीज। कंपनी बी के पास कौन सी करेंसी है, कंपनी बी के पास कौन सी करेंसी है? तो कंपनी बी के पास सर इंडियन कंपनी है, और उसने इंपोर्ट किया यूएसए से, और उनको डॉलर पेमेंट कर रही है 1 लाख डॉलर। कौन देगा कंपनी बी को? बैंक देगा। तो बैंक को यह क्या देंगे? रुपीज देंगे, तभी तो पेमेंट करेंगे। ये बैंक को क्या देंगे? रुपीज देंगे। अब बैंक इनको क्या देगा? डॉलर देगा, तब ये डॉलर पेमेंट करेंगे। तो ये कंपनी जो बी है, कंपनी बी इनको क्या देगा? रुपया देगा, और ये कंपनी इनको क्या देगा? डॉलर देगा। तो बैंक के पास क्या आया? बैंक के पास कमोडिटी, यहां पे कमोडिटी करेंसी रुपया है, तो कमोडिटी करेंसी इज कमिंग टू बैंक, कमोडिटी करेंसी यहां पे क्या है? बैंक के पास आ रहा है। तो कमोडिटी करेंसी जो बैंक के पास आ रहा है, तो बैंक के पास आ रहा है तो बैंक बाई करेगा, जब कमोडिटी आएगा तो होलसेलर बाई करेगा, बाई करेगा तो कौन सी रेट से बाई करेगा? 0.023 ये रेट अप्लाई होगा। तो डॉलर फॉर कंपनी बी, कंपनी बी के लिए क्या होगा? $0.023 इक्वल टू ₹1, $1 इक्वल टू $1 लाख इक्वल टू 0.023 इंटू 1 लाख, इसके बाद कितना हो जाएगा? ₹43 लाख
जीरो। अब देखिए बैंक को कितना फायदा होता है, कस्टमर ए ने जाकर बैंक को डॉलर दिया, कस्टमर ए ने जाकर बैंक को डॉलर दिया, अब वो कितना 40 लाख रुपया लिया, बैंक ने उनको 40 लाख रुपया दिया, 1 लाख डॉलर आया, और उसी डॉलर को बैंक ने क्या किया बी को बेच दिया, अब बी को बेच दिया तो इतना रुपया ले लिया, तो 3,47,826 को फायदा हो गया। तो इस तरह हम आपको कमोडिटी ऑफ, हमने आपको बताया था कि हाउ टू यूज द कोटेशंस ऑफ बैंक। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी क्वेश्चंस बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में भी इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद भी हम थोड़ी सी रिवीजन कराएंगे उसके अगले क्लास में, और फिर हम कोटेशन ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नेक्स्ट चेंज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं, और ये आपको बहुत फायदा देगा बाद में। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं। ओके भाई।